आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का जो विषय है बड़ा देखने और सुनने में बहुत सामान्य सा लगने वाला, लेकिन वस्तुतः बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी अवधारणा है जिसको लेकर के बहुत सारे तरीके के वाद विवाद चलते रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस धरती पर रहने वाले 7.5 बिलियन लोगों को, हर किसी को न्याय चाहिए। ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी अवधारणा है कि धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को न्याय चाहिए। स्वयं वो क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हर किसी की अपेक्षा ये है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। और जितनी दुनिया भर की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पुरातन है आधुनिक है, वो सभी की सभी इसी विषय को लेकर के चल रही हैं कि किसी तरह न्याय उपस्थित हो, न्याय विद्यमान रहे, हर किसी को न्याय मिले। इसीलिए दुनिया में बड़े बड़े संविधान लिखे गए, इसी के लिए यूएनओ की स्थापना हुई, इसी के लिए जो है वो ह्यूमन राइट्स की बातें होती हैं, और बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक तरह से मानवीय समाज का जो केंद्रीभूत मूल्य है वो है न्याय। वो शब्द, वो विचार, वो अवधारणा, उसके बारे में हम आज चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारे साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष दयाल माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका मैं परिचय भी कराऊंगा। उनका हम स्वागत करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसडी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, एसटी कॉलेज अंबाला कैंट, एसटी आदर्श संस्कृत कॉलेज अंबाला कैंट, जीएमएन कॉलेज की ओर से जीएमएन कॉलेज अंबाला कैंट, एमपीएम कॉलेज मुलाना और आरकेएसटी कॉलेज कैथल, सभी कॉलेजेस की ओर से हम आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समय अधिक न लेते हुए सीधे सीधे हम विषय की ओर अग्रसर होते हैं, ताकि हम समय भी बचा सकें। और कार्यक्रम हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन के बाद, वेलकम के बाद डॉक्टर साहब का अभिभाषण रहेगा, और उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन है आप सभी के लिए। जो प्रश्न पूछना चाहें, अपने विचार देना चाहें, टिप्पणियां करना चाहें, असहमति जताना चाहें, उस सब के लिए आपका स्वागत है। और फिर लास्ट में हम इसको कंक्लूड करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो मुख्य विषय, क्योंकि जब भी आप कोई सेमिनार करते हैं या इस तरह का कोई परिचर्चा को आयोजित करते हैं, तो उसके पीछे कारण ये होता है कि आप अपनी दृष्टि का विकास कर सकें, दृष्टि व्यापक कर सकें, आपकी समझ गहरी और सूक्ष्म हो, और उसके अनुकूल आपके पास भाषा भी उपलब्ध हो। तो ऐसा ही एक विषय जिसके बारे में अब आज हम बात कर रहे थे कि उसमें कौन से नए आयाम, कौन से ऐसे आयाम, ऐसे पक्ष हैं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं, और जो हमारी एक, कृपया अपना माइक म्यूट पे रखें आप सभी लोग, तो उनके बारे में हमारी नई जानकारियां क्या बढ़ सकती हैं, समझ क्या बढ़ सकती है, उसी के लिए ये परिचर्चाएं और वेबिनार्स आयोजित किए जाते हैं। कोई निष्कर्ष निकाल लेंगे ऐसा ये इसमें से कोई दावा हम नहीं कर सकते। तो इस विषय को मैं बहुत सरल और सीधे तरीके से आरंभ करना चाहता हूं, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब जो है उससे आगे उस विषय को लेंगे। कहानियों से एक बात शुरू करना बहुत आसान रहता है किसी इस तरह के जो विषय होते हैं, जो बड़े व्यापक और सूक्ष्म और संवेदनशील विषय होते हैं। मैं दो तीन बड़ी सरल सरल सी कहानियां आपको सुनाना चाहता हूं। एक कहानी जो मर्चेंट ऑफ वीनस में हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, ज्यूस को लेकर के इंग्लैंड में लिखी गई वो कहानी, जहां तक मुझे ध्यान है कि उसमें शाइलॉक जो है वो ये शर्त रखता है पैसे देने के बदले में, कि यदि मुझे तुमने समय पे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे जिगर का, हृदय का वो टुकड़ा लूंगा उसके बदले में। और वो नहीं दे पाता और कोर्ट में केस जाता है, और वहां पर ये दावा किया जाता है कि क्योंकि इसने मेरे धनराशि को वापस नहीं किया है, असमर्थ रहा है, तो इसलिए मुझे अनुमति दी जाए कि मैं इसके हृदय का टुकड़ा जो है वो ले सकूं। अब जस्टिस करने वालों के लिए ये एक अपने आप में चुनौती थी कि इसको वो जस्टिफाई कैसे करें।
या इस मुश्किल में वो क्या निर्णय करें। तो ये निर्णय एक चतुराई भरे, चालाकी भरे वकील के द्वारा, आर्गुमेंट के द्वारा किया गया कि जो हृदय है वो तो निकालने का अधिकार है, लेकिन खून की एक बूंद नहीं निकलनी चाहिए। अब ये न्याय को लेकर के एक कहानी है जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन कितनी चालाकी और चतुराई से ये कहानियां हमें लगाई गई कि ज्यूस के बारे में हमारी क्या समझ बने। खैर, अभी उस विषय पे हम नहीं जा रहे, लेकिन एक कहानी को आप ध्यान में ये रखें तो आपको आगे की सारी बातें समझने में सुविधा होगी। दूसरी कहानी किंग सोलोमन की है, जहां हमको ये सुनने में मिलता है, और कभी कभी ये विक्रमादित्य के साथ भी इस कहानी को जोड़ा जाता है, कि दो स्त्रियों ने एक बच्चे के ऊपर अपने अधिकार को जताया और उन्होंने दावा किया कि हमारा बच्चा है। तो किंग सोलोमन या विक्रमादित्य आप कह लीजिए, उसने उनको ये निर्णय दिया कि क्योंकि तुम दोनों स्त्रियां इसके माँ होने का दावा करती हो, तो इस बच्चे को हम बीच में से आधा आधा काट देते हैं और आधा आधा दे देते हैं, ये निर्णय कर दिया। तो उसमें से जो सचमुच माँ थी, उसने उसको कहा कि नहीं, आधा मत करो, पूरा पूरा जो बच्चा है वो दूसरी स्त्री को दे दो। और उससे यह सिद्ध हो गया कि ये बच्चा उस स्त्री का है। तो निर्णय करने का, न्याय करने का एक तरीका ये भी रहा। एक न्याय करने का तरीका जो ग्रीक में रहा, वो प्रोमेथियस और सिसिफस वगैरह का, यानी कि उसको मोटे तौर पे आप, ये नाम आपको अजीब लगेंगे क्योंकि ये याद करने बड़े मुश्किल होते हैं और बहुत प्राचीन नाम है, लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि ग्रीक में जो माइथोलॉजी है उसमें जो न्याय का स्वरूप रहा है वो ये है कि मनुष्य और देवताओं के आपसी संघर्ष रहे हैं। देवता कभी अग्नि नहीं देना चाहते मनुष्यों को, कभी और चीजें नहीं देते। उनके संघर्ष में जो कोई भी सफलता मनुष्यों ने अर्जित की, उसके लिए उनको दंड दिया गया। प्रोमेथियस और सिसिफस वगैरह की कहानियां इसी तरह की हैं कि एक अग्नि चुरा करके लाया तो उसको सजा दे दी कि तुम अब इसको पहाड़ के ऊपर इस पत्थर को हर रोज लेकर के जाओगे, और वो पत्थर जैसे ही चोटी पे पहुंचेगा और वो नीचे आ जाया करेगा। सिसिफस को इसी तरह की दंड व्यवस्था दे दी गई न्याय के अधीन कि तेरे जिगर में से रोज जो एक गीद है वो तेरे जिगर को खाएगा और शाम को वो जख्म भर जाया करेगा। तो इस तरह की न्याय व्यवस्था का स्वरूप आपको देखने में मिलता है। हालांकि बड़ी चतुराई से जो सोशल साइंस साइंटिस्ट हैं या सोशल साइंसेस में, प्लेटो और एरिस्टोटल के न्याय व्यवस्था का नाम लेकर, उनके जस्टिस सिस्टम की बात करके, माइथोलॉजी में जो वहां पर चीजें थी उसको इग्नोर कर देते हैं। एक चौथा पक्ष जो भारतीय पक्ष है, वो उसकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। उसकी भी एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक ही कहानी ले रहा हूँ, कि राजा शिवी हैं, उनके परीक्षा लेने के लिए कि ये राजा की न्याय जो संवेदना है, न्याय करने की क्षमता वो कैसी है। तो इंद्र और अग्नि उसके पास आ जाते हैं कबूतर बन करके, और पीछा करते हुए बाज के रूप में दूसरा पक्षी आ जाता है, और कबूतर राजा की गोद में आके बैठ जाता है और उससे शरण मांग लेता है। और बाज उसे कहता है कि तुम मेरे, ये मेरा भोजन है, तो राजा तुम, राजा शिवि, तुम मुझे वापस करो। राजा के सामने अब धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो न्याय करे, क्या न्याय करे, कि उसके भोजन को अगर वो मना करता है तो क्या होगा, कि उसका भोजन का उसके साथ हिंसा होगी, उसको भोजन नहीं मिलेगा, और मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ, सौंप देता हूं, तो मेरे पक्ष पर ये हिंसा होगी। तो अंत में राजा अपनी न्याय बुद्धि से ये निर्णय करता है कि कबूतर को तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में मैं अपना मांस जो है वो आप लोगों को, उस बाज को वो अर्पित कर देता है। और इस दृष्टि से वो दोनों देवता जो हैं, अग्नि और इंद्र, बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने रूप में प्रकट होते हैं। तो ये चार कहानियां मैंने आपको बड़े संक्षेप में और बड़े सरल तरीके से सुनाई हैं, ताकि न्याय को लेकर के हमारे मन में जो एक अवधारणा सी रहती है, अस्पष्ट सी, उसके ये चार पांच पक्ष आपके सामने आ जाएं। इसके साथ आप एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर देखिए, मैंने दो तीन शब्द रखे हुए हैं स्क्रीन पर। जब से हमने संविधान बनाया या जब से हमने विकास किया, तो दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे। पहले के जो धर्मशास्त्र, पहले की न्याय व्यवस्था में एक पाप शब्द बड़ा महत्वपूर्ण था, ये आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के ऊपर,
और दूसरी तरफ अब जो संविधान आया तो हमारे पास क्राइम शब्द आ गया, जिसका मतलब है अपराध। दोनों के अंतर में आप दोनों का अंतर देखिए कि संविधान आपको किसी पाप करने की सजा नहीं देता, वो पाप का जिक्र ही वहां नहीं है, लेकिन आपकी सारी की सारी जो धर्म व्यवस्था है, जो संस्कृति है, वो पाप पर ज्यादा आधारित है अपराध की बजाय। अब पाप के लिए आपके पास क्या साधन है? आपके पास है प्रायश्चित करना, अटोनमेंट, जिसे आप क्रिश्चियनिटी में कहते हैं, और संविधान में आपके पास जो उसके लिए है क्राइम के लिए, वो है पनिशमेंट, दंड व्यवस्था। तो इन दो के बीच में हम इस न्याय को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि ये जस्टिस क्या होता है और क्या होना चाहिए। बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं, मैं केवल आप लोगों को थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि के रूप में ये कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, और उसके बाद मैं आपका परिचय डॉक्टर आशुतोष जी से करवाऊंगा और फिर उसके बाद उनका अभिभाषण हम सुनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी पढ़ रहे हैं और उसमें बड़े महत्वपूर्ण शब्द है जस्टिस, उसमें से एक शब्द है जिसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, और पूरे का पूरा एक मॉडल दिया हुआ है कि जिस जो हमारी सोसाइटी होनी चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी के आधार पर हमारा समाज निर्मित होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं अपनी परंपरा की ओर देखता हूं तो एक बड़ा सरल सा श्लोक, एक मॉडल मिलता है कि जहां पर न राज्यम न च राजासीत न दंडो न च दांडिका स्वयं प्रजा सर्वा रक्षन्ति स स्म परस्परम। ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस वक्त उनकी परिकल्पना में जो समाज है वो क्या है, न राज्य था न राजा था न दंड था न दंड देने वाला, स्वयं सारी प्रजा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। तो न्याय की तो बात ही समाप्त हो जाती है कि जिसको लेकर के हम इतनी बातें करते हैं, अगर इस तरह का अगर हम समाज की बात कर लें, समाज को जान लें, बना लें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें, अनावश्यक जो भार है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये दो तुलनात्मक चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, और कृपया ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई अच्छाई बुराई को ढूंढने वाली बातें नहीं है, ये एक केवल अपनी दृष्टि को विकसित करने के लिए कि जो हमारी परंपरा के मूल्य रहे हैं और जो हमारे संविधानात्मक मूल्य हैं, दोनों को हम अपने में समेट सकें, उसके लिए ये सारी तैयारी है। अगली बात देख लीजिए, थोड़ा सा और मैं 2-3 मिनट आपके ले लूंगा कि आप लोगों ने कभी, मुझे नहीं पता कि सोशल साइंसेस में ये चीज पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, कि न्याय की जो देवी बनाई जाती है, न्यायालयों में जो मूर्ति रखी जाती है, वो ये तुला लेकर के और हाथ में तलवार लेकर के जो स्त्री खड़ी रहती है वो कौन है, और उसके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को होती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से थेमिस नाम से वो ग्रीक गॉडेस है जिसको आज हम लोगों ने अपने न्यायालयों में स्थापित कर रखा हुआ है। हर मूवी में और हर जगह आप उसको टेबल के ऊपर, जज के टेबल के ऊपर आप देखते हैं, और उसका जो स्वरूप है वो आप पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बट she is described as a good counsel and is the personification of divine order, fairness, law, natural law and custom. तो ये उसकी देवी है और ग्रीक में इसी को स्वीकार किया जाता है। इसी के प्रभाव से सारे के सारे वेस्ट और हमारे जो आज हमारे पास व्यवस्था है ये उसी से चली आ रही है। लेकिन इसके विपरीत जब आप रोमन साम्राज्य के न्याय व्यवस्था को देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक अंतर दिखाई देता है। जस्टिस वाज़ ए वैल्यू that most legitimized their right to rule other people. क्या बात है कि हम जहां से मूल्यों को लेकर आ रहे हैं, जिनकी बातें करते हैं, वहां पर जस्टिस का ये मतलब है। तीसरी ओर आप बिब्लिकल रेफरेंस में, बाइबल के रेफरेंस में जब आप देखने लगते हैं तो जस्टिस मीन्स टू मेक राइट। जस्टिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए रिलेशनल टर्म, पीपल लिविंग इन राइट रिलेशनशिप विद गॉड, वन एंड अदर एंड द नेचुरल क्रिएशन। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसीलिए मैं जब जस्टिस शब्द मेरे ध्यान में था तो बहुत वर्ष पहले जब मैं भी स्टूडेंट था तब मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे पुस्तक दोबारा उपलब्ध नहीं हुई कि जस्टिस शब्द का जो रेफरेंस पॉइंट है वो है टू गिव अ डिसीजन आइदर इन द फेवर ऑफ क्राइस्ट और द चर्च। तो वो जस्टिस का अर्थ मैंने पढ़ा था लेकिन पुस्तक मुझे वो दोबारा कभी उपलब्ध नहीं हुई। चलिए एक जस्टिस का और देख लें कि इस्लामिक जस्टिस का क्या अर्थ है। वो वहां पर बड़ा अच्छा सा अर्थ आपको देखने में मिलेगा लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड जब आप देखते हैं तो
स्थितियां कुछ और देखने को मिलती हैं। द गोल ऑफ इस्लामिक लॉ एज इट इज द गोल ऑफ इस्लामिक सोसाइटी इन जनरल इन बोथ द कुरान एंड हदीथ जस्टिस रिक्वायर्स द अफेंडर टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर एक्शंस एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनसेट द हार्म्स एंड लॉसेस ऑफ द विक्टिम। कि जिसके प्रति आपने कोई अपराध किया है तो उसके अगर आपने पैसे दे करके या किसी और प्रकार से भरपाई कर दी है तो वो न्यायिक कहलाया जाएगा। लेकिन अब अपनी भी बात हम कर लें, दुनिया भर की बात कर लेते हैं, तो हिंदुइज्म में जो न्याय है, वैसे वहां पे न्याय शब्द की बजाय धर्म शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, और ऑब्वियसली धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन तो बिल्कुल वहां पे नहीं है। तो मोस्ट हिंदू बिलीव्स दैट इन ऑर्डर टू अचीव द हायर स्पिरिचुअल गोल्स दे मस्ट फुलफिल धर्म, और द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज लिंक्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म एंड अहिंसा। तो आपकी जो अहिंसा है वो यहाँ से परिभाषित होती है, और जैसे कि आप लोगों ने शायद बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि सिद्धार्थ और देवदत्त जो है उनका झगड़ा हो गया कि एक हंस को जिसके वो तीर मारा गया था देवदत्त के द्वारा, तो तब ये राजा ने निर्णय किया था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और इंटरेस्टिंगली जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें जो देवता है आपके न्याय का वो कौन है, यम, और वो कैसे रिलेटेड है ये हम फिर बीच में बात करेंगे, देखेंगे अंत में। एक आध मिनट और लूंगा मैं आप लोगों का कि डॉक्टर अमर्त्य सेन, आप सबने नाम सुना होगा, उनकी पुस्तक थी आर्गुमेंटेटिव इंडिया, उसमें दो शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, नीति और न्याय। और नीति का मतलब वहां क्या है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए तो नीति आर द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर करेक्टनेस। इन कंट्रास्ट विद नीति द टर्म न्याय स्टैंड्स फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइज्ड जस्टिस। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि नीति और न्याय ये क्या शब्द हैं। तो यहां से यहां तक की मैं सारी बातें आप लोगों के साथ एक व्यापक, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक व्यापक आइडिया हो, ताकि जब हम इस न्याय के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करें और डॉक्टर साहब हमें हाथ पकड़ के उसमें अग्रसर करें तो हमें कहीं पर भी न्याय की शब्दावलियों के जंगल में कहीं पे उलझन ना हो, हमारे सामने चीजें, हमारा मार्ग बड़ा स्पष्ट हो। और आज जब हम इस वेबिनार को पूर्ण करें तो हमें यह स्पष्टता हो कि न्याय वस्तुतः क्या होता है और क्या जस्टिस और न्याय क्या समानधर्मी शब्द हैं, और क्या न्याय और धर्म शब्द समानधर्मी आपस में हैं या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम बाद में लेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं जो आज के हमारे रिसोर्स पर्सन है, मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष दयाल माथुर, जो कि एमए, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी हैं। मैंने विशेष रूप से ये उनकी क्वालिफिकेशन इसलिए आप लोगों के सामने रखी हैं कि आप ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए कि आज आपको जो बोलने वाला मुख्य वक्ता मिले हैं वो एक बैलेंस्ड हैं। उनके पास एक हाथ में संस्कृत की परंपरा है और दूसरी तरफ उनके पास आधुनिक ज्ञान भी है। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सेंट स्टीफन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली का, दिल्ली में। बहुत लंबा अध्ययन और अध्यापन का इनका वर्ष रहे हैं, अनुभव है इनका अध्ययन और अध्यापन का, निरंतर शोध में कार्य में लगे रहते हैं। इनके अंतर्गत कई विद्यार्थी पीएचडी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सेंट स्टीफन कॉलेज, बल्कि तब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नहीं होती थी जब से सेंट स्टीफन कॉलेज है। मेरा ख्याल है 1885 या 90 के आसपास की बात है, तब से ये कॉलेज यहाँ पर विद्यमान है। तो ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में डॉक्टर साहब जो हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर कार्यरत हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जिस तरह की कार्यक्रम, आउटरीच प्रोग्राम इन्होंने चलाए हुए हैं कि संस्कृत की एक्स्ट्रा जो क्लासेस लेते हैं और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, आम पब्लिक है, कॉमन लोग हैं, उनके लिए कई तरह के कोर्सेज उन्होंने चला रखे हैं। और इसके अलावा इन्होंने 4 पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित इनकी हुई हैं, जिनमें से एक बड़ी रुचिकर पुस्तक होगी जिसका शायद संदर्भ भी वो बीच में देंगे,
कि जो कास्ट सिस्टम को लेकर के, दलित सिस्टम को लेकर के उन्होंने लिखा है, धर्म ग्रंथों के ऊपर उनका विशेष कार्य है। तो वो बहुत सारी बातें आज हमें देखने और सुनने को मिलेंगी, और कई नए पक्ष जो हैं वो हमें सुनने और देखने को मिलेंगे। और अपनी बात में इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, एसटी कॉलेज की ओर से, जीएमएन कॉलेज की ओर से, आरकेएसटी कॉलेज कैथल की ओर से, एमपीएन कॉलेज मुलाना की ओर से, और एसटी आदर्श संस्कृत कॉलेज अम्बाला की ओर से। मैं सर आपका और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता करके उनको आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर, कि बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ी स्पष्ट रूप से ये बात कही है। अगर किसी को कोई भ्रम हो, भ्रम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने संस्कृत के शब्दों के बड़े गलत इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिए। ये बात पिछली बार भी हम लोगों ने की थी कि राजा का अर्थ किंग नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि राजा जो है वो प्रजा के रंजन के लिए है, प्रजा के प्रति अकाउंटेबल है, किंग उस तरह से अकाउंटेबल नहीं होता। और राजा जो है वो धर्म के अधीन है, लॉ के अधीन है। तो हमें जो पढ़ा दिया जाता है जिस तरह से किंग के संदर्भ में राजा को, तो वो बहुत सारे दोष हैं सोशल साइंसेस में जो करेक्ट करने की जरूरत है। तो आज का ये वेबिनार का ये भी एक पक्ष है कि किस तरह से हम जो सोशल साइंसेस में गलत तरीके से पढ़ाई जा रही चीजें हैं, जो गलत अवधारणाएं हैं, जो नैरेटिव बड़े गलत पैराडाइम्स पे खड़ा किया गया है, उसको भी हम करेक्ट करने का प्रयास करें। तो मैं आज की अभी इतनी ही बात करके मैं आपको संस्कृत विभाग की ओर से, पॉलिटिकल साइंस विभाग की ओर से और ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर की ओर से आमंत्रित करता हूँ कि आज आप हमारे साथ अपनी चर्चा, ज्ञान चर्चा हमारे साथ करें, हमें दिशा निर्देश दें और हमारा मार्गदर्शन करें कि हम विचार कैसे करें और इस सारे विषय को हम समझें कैसे। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने सभी साथियों के साथ और सभी छात्रों के साथ। स्वागत है सर आपका, स्टेज इज योर सर। प्रोफेसर आंगरस जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा सत्र में सम्मिलित होने का अवसर दिया। आपने इस विषय को जिस तरह से प्रस्तुत किया वो बहुत अपने आप में रोचक और ज्ञानवर्धक मेरे लिए भी रहा। मेरा जो ध्यान रहा है इतने वर्षों में भारतीय ज्ञान परंपरा पर, मेरा ध्यान मुख्य रूप से धर्मशास्त्र के भी व्यवहार पक्ष पर रहा है। जी और व्यवहार वो है जो राजा की कचहरियों की बात करता है। तो जो आज के संदर्भ में जिसे हम लॉ कहते हैं, वही हमारे धर्मशास्त्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम व्यवहार कहते हैं। इसलिए मेरा जो आगे की सारी चर्चा रहेगी वो इस बात पर मूल रूप से आधारित रहेगी कि हमारे यहाँ दर्शन में, उपनिषदों में, काव्य में कुछ भी कहा गया हो, एक आदर्श के रूप में, आइडियल के रूप में जो कुछ भी हमने सोचा हो, हमारे पूर्वजों ने सोचा हो, कहा हो, व्यवहार में उसका क्या स्वरूप रहा है। और व्यवहार शब्द आज के व्यवहार शब्द से भी बहुत रोचक रूप से मिलता है। व्यवहार मतलब व्यवहार, प्रैग्मैटिक, एक आइडियल है, एक प्रैग्मैटिक है, एक एक आदर्श है और एक व्यवहार है। एक वह जो होना चाहिए, एक वह जो है। तो हमारा धर्मशास्त्र केवल होना चाहिए की बात नहीं करता, वो है को पूरा ध्यान देता है और इस बात पर ध्यान देता है कि उस है में क्या-क्या दोष हैं। और वो है जो है वो हमारे आदर्शों से, हमारे विचारों से कितना हटकर है। इसलिए जो कुछ भी उसमें बिखराव आया है, जो कुछ भी उसमें मूल सिद्धांतों से प्रचलन हुआ है, मूल विचारों से, आदर्शों से विचलन हुआ है, बल्कि कहना चाहिए उस विचलन को हम कैसे ठीक करें, कैसे दुरुस्त करें, ये व्यवहार का एक मूल चिंतन रहता है।
और धर्म, आपने जैसा स्वयं कहा, धर्म का संबंध कुछ हायर वैल्यूज से है। धर्म का संबंध कहीं ना कहीं हमारे देश में ईश्वर से भी है। धर्म का संबंध हमारे देश में कहीं ना कहीं अतिलौकिक मान्यताओं से भी है, और हम समझते हैं कि वो अतिलौकिक मान्यताएं ही हमारे जीवन को भी निर्धारित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए कहीं हम वेदों की ओर जाते हैं और वेदों को कभी अपौरुषेय कह देते हैं और ये मानते हैं, या ईश्वरकृत कह देते हैं और फिर मानते हैं कि वो एक ईश्वरीय व्यवस्था है। हम उसको रित मान लेते हैं कि एक नित्य ऐसी नेचुरल व्यवस्था है जिसके अनुसार सारा विश्व चल रहा है और मनुष्य जीवन को भी, सामाजिक जीवन को भी उसके अनुसार ही निर्धारित करना चाहिए, ये भी हम सोचते हैं। लेकिन व्यवहारवादी, व्यवहारवाद वाले, व्यवहार शास्त्र वाले इस बात को मानते हैं कि दुनिया वस्तुतः ऐसे आदर्शों पर चल नहीं रही है, और इसलिए व्यवहार की मान्यताएं, व्यवहार के विचार, व्यवहार के आदर्श और व्यवहार की चिंतन प्रक्रिया उन आदर्शों से फर्क है। इसलिए मैं इस बात को बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम जो कई बार ये डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पश्चिम से जो न्याय व्यवस्था आई है वो कुछ फर्क है, वो कुछ पराई है, और हमारे यहाँ जो कुछ न्याय व्यवस्था थी वो कुछ फर्क थी, वो कुछ अन्य आदर्शों, कुछ अन्य मूल्यों पर शायद आश्रित थी, इसके विषय में मेरा थोड़ा सा मतभेद आपसे रहेगा। वैसे ये सत्य है कि दो अलग अलग व्यवस्थाओं की तुलना करना कठिन होता है। भारत की न्याय व्यवस्था और पश्चिम की न्याय व्यवस्था के विषय में तो कोई तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन है। उन दोनों के अपने अपने अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है और दोनों में बहुत लंबी परंपरा भी है, इसलिए भी दोनों को समेटना एक थोड़े से समय में कठिन होता है। पश्चिम में हम देखते हैं कि जो न्याय के विषय में जो आरंभिक चिंतन है वो प्लेटो और अरिस्टोटल से शुरू हो जाता है, चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी पूर्व से। हमारे देश में हम उस काल का निर्धारण करने में थोड़ा अक्षम हैं, इसलिए वेदों पर जाएं तो पता नहीं 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व या कितना ईस्वी पूर्व हम जाएं उसको, लेकिन कम से कम धर्म के विषय में या कानून के विषय में जस्टिस शब्द को अगर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, जस्टिस का कहीं क्या सही अर्थ किया जाए, उसके विषय में जो चिंतन है वो कम से कम धर्म सूत्रों के समय से तो बड़े सुव्यवस्थित और परिपक्व रूप में हमारे देश में दिखाई दे रहा है। अगर हम एक जो तथाकथित अभी चल रहा है कालक्रम उसको भी मानकर चलें तो कम से कम 500 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व तो वो ठहरता ही नहीं। अब से 2500 वर्ष पहले तो हमारे देश में न्याय व्यवस्था को लेकर, जस्टिस को लेकर, कानून को लेकर 2500 वर्ष से बड़ा व्यवस्थित सुपरिपक्व चिंतन हमारे देश में उपलब्ध हो रहा है। पश्चिम में इन विषयों पर चिंतन रहा, लेकिन जो जस्टिस, राज्य, नागरिक, नागरिकों के अधिकार इत्यादि ये विषय जो है लगभग 16वीं शताब्दी से वहां पर और अधिक महत्वपूर्ण रूप में उभर कर आए हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? मैंने वो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कोई बात नहीं सर। अच्छा चलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ बहुत सुविधा हो जाएगी। तो मैं ऐसा करूँ, वो स्क्रीन पर इंग्लिश में अगर बोलूँ हिंदी में या इंग्लिश में ही बोलूँ? सर आप दोनों का मिक्सचर कर लीजिए जी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे सभी के लिए समझने में आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी बिल्कुल जी। जो पश्चिम में चर्च के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, और सेक्युलर शब्द वहां से जो उभर कर आया, चर्च के विरुद्ध सेक्युलर फोर्सेस का उदय हुआ, उसने इस पूरे चिंतन को बहुत बढ़ावा दिया है। उसके साथ साथ इक्वालिटी, समानता, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकार और राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों के चिंतन ने इस चीज को बहुत अधिक विशेष रूप से बढ़ावा दिया है। लेकिन बड़ी अद्भुत बात यह है कि जिस समय पिछले 400 वर्षों में यूरोप में यह सारा
आधुनिक चिंतन उभर रहा है, उसी समय भारत में बड़े ही राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, मैसिव पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं, विदेशी आक्रमण उससे पहले से बहुत पहले से हो रहे हैं, आपस में राजाओं की लड़ाई, आपस में युद्धों के कारण राजनीतिक अस्थिरता है, पूरा राजतंत्र जो है हमारी राजनीतिक व्यवस्था वो खंडित हो चुकी है। और सबसे उससे भी अधिक अद्भुत बात ये कि जो यूरोपवासी अपने देश में बड़े बड़े लोकतंत्र की और धर्म की और कानून की बात कर रहे थे, उन्होंने ही इस पूरे भारत को क्या विश्व के बहुत बड़े भूभाग को कॉलोनाइज करके रखा, उस पर अपना साम्राज्यवादी शासन अपना कर रखा। तो व्हेन यूरोप वाज अवेकनिंग टू डेमोक्रेसी जस्टिस एंड फ्रीडम, इंडिया वाज स्टिल लैंग्विशिंग इन स्लेवरी इनजस्टिस एंड कॉलोनियल एंड फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन। ये एक बड़ा भारी विरोधाभास हमें दिखाई देगा पिछले 300-400 वर्षों के इतिहास को लेकर। उससे पहले भी जो भारत में दो बड़े भारी और परिवर्तन हुए थे, बहुत सारे जो इस्लाम का समर्थन करने वाले राजा हमारे देश में आए, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी से लेके मुगलों के बाद तक, उन्होंने जिस तरह से भारतीय समाज व्यवहार करता था, जिस तरह से भारतीय समाज चलता था, उसको काफी हद तक बदला और कई जगह अपने विचार अपने चिंतन को उन्होंने समाज पर आरोपित किया। ऐसे भी राजा आए जिन्होंने उस समय भी भारतीय लोगों के लिए या भारत में जो लोग रहते थे उनके निजी व्यवस्था को छेड़ने की कोशिश नहीं की और काजियों की अदालतों में पंडितों की नियुक्ति की ताकि वो हिंदुओं के परस्पर जो 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 उस समय भारत में रहने वाले लोग थे, जिस परंपरा को मानने वाले लोग थे, उनके परस्पर विवादों का समाधान उनकी परंपरा के अनुसार करा सकें। यही चीज बाद में सर विलियम जोन्स ने, वॉरन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों की अदालतों में भी की, लेकिन अंततः उन्होंने फिर बहुत भारी मात्रा में भारतीय सारे व्यवस्थाओं में, यहाँ तक के निजी कानून व्यवस्थाओं में भी छेड़खानी की है। तो उसका नतीजा ये हुआ, मैं इस पे एक वाक्य में निष्कर्ष ये कि लगभग लगभग 1000 वर्ष से भारत में जो ये धर्मशास्त्र की एक जीवंत प्रक्रिया रही थी, एक जीवंत परंपरा रही थी, वो काफी हद तक शिथिल हुई, जो कानून के विषय में, समाज के विषय में, धर्म के विषय में, जीवन के विषय में, दार्शनिक चिंतन तो होता रहा लेकिन जो जो व्यवहार के पक्ष थे, जो प्रैग्मेटिक पक्ष थे जीवन के, उनके विषय में व्यवस्थित बौद्धिक स्तर पर चिंतन हमारे देश में कुछ शिथिल हो गया। इसलिए मुझे जो भी मैं बात करूंगा जस्टिस के विषय में भारतीय परंपरा में, वो प्राचीन और मध्यकालीन धर्मशास्त्र के ग्रंथों के आधार पर, कुछ अर्थशास्त्र की चर्चा हो सकती है, लेकिन मुख्य बात यही कि हम ये देखेंगे कि प्राचीन स्मृतियों से लेकर मध्यकाल तक तो एक लिविंग ट्रेडिशन, एक जीवंत परंपरा, उसकी अनब्रोकन परंपरा दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद जब से सत्ता का हस्तांतरण ऐसे लोगों के हाथ में हुआ जो कि उस परंपरा से प्रत्यक्षतः नहीं जुड़े हुए थे, तब से वो परंपरा टूटी है। एक और जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे कहनी है कि हमारे और पश्चिम के ग्रंथों को भी अगर हम देखते हैं तो उसमें शैली का बड़ा भारी एक अंतर हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस पर चर्चा करनी थोड़ी सी मुश्किल लगती है। वो ये कि पश्चिम में बहुत विस्तार से लिखने की परंपरा है, खासतौर पे पिछले 300-400 वर्ष में जो भी लेखक आए जिनकी मैं चर्चा करूंगा, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें, पोथियां लिख दी अपने कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, अपने अवधारणाओं को, अपने विचारों को समझाने के लिए। लेकिन हमारे देश में जो हमें पुराने ग्रंथ मिलेंगे, सूत्र मिल जाएंगे, स्मृतियां मिल जाएंगी, स्मृतियां यद्यपि पद्यात्मक हैं लेकिन उन पद्यों में भी एक एक पाद में सूत्र रूप में बहुत बहुत बातें गंभीर रूप से कह दी गई हैं। तो गागर में सागर भर दिया उन्होंने और व्यवस्थाएं ज्यादा की हैं, प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा किए हैं, विधान ज्यादा किए हैं, उसके पीछे की कारण परंपरा हमें नहीं दिखाई देती लिखित रूप में। जबकि पश्चिम में सारा तर्क वितर्क उसी को लेकर, क्या अगर कुछ है तो क्यों है, या क्यों नहीं होना चाहिए, या क्यों होना चाहिए, क्यों पर बहुत भारी चिंतन इन
पिछले 300-400 वर्षों में हुआ है, हमारे यहां क्या क्या तो मिल जाता है, लेकिन क्यों पर विचार थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो विचार नहीं था। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उन जो भी नियम व्यवस्थाएं हमारी स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में मिलते हैं, उन नियम व्यवस्थाओं को ही देखना होगा कि अगर इन्होंने कोई व्यवस्था की है तो वो क्यों की होगी। थोड़ा सा उसमें हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और उसमें हमारी सहायता निश्चित रूप से करेंगे हमारे प्राचीन कमेंटेटर्स, टीकाकार, भाष्यकार और निबंधकार। निबंधकारों ने भी जब अलग अलग स्मृतियों में से सामग्री लेकर अपने अपने देश काल के अनुसार नए नए ग्रंथों का निर्माण किया, तो उन्होंने कुछ लिया, कुछ ग्रहण किया, कुछ छोड़ा, और जो कुछ छोड़ा उसको भी बताया कहीं कहीं पर। सबने नहीं बताया, कुछ ने बताया कि हम अमुक नियम को क्यों छोड़ रहे हैं या कुछ या हम अमुक नियम को क्यों ग्रहण कर रहे हैं। तो वहां से जो कुछ तर्क हमें वहां से मिलेंगे, लेकिन काफी कुछ जो हमें चर्चा है वो अपनी मर्जी से, अपने ध्यान, अपने मन से, अपने विवेक से इस पर हमें लेना होगा। जो पश्चिम में आइडिया ऑफ जस्टिस है, वो प्राचीन अरिस्टोटल और प्लाटो, दो की बात मैं संकेत करूंगा हल्का सा। उसके बाद मध्यकाल के जो कुछ क्रिश्चियन फिलोसोफर्स रहे, सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनस की चर्चा करूंगा, और आधुनिक काल में वहां के तीन चार जो प्रमुख विचारक हुए, हॉब्स, ह्यूम, मिल, कांट, कार्ल मार्क्स और रॉल्स, इनका केवल नाम मात्र, मैं भी सूत्र रूप में इनका उल्लेख करूंगा क्योंकि मेरा विषय मुख्य रूप से प्राचीन भारत और हमारी अपनी भारतीय परंपरा पर मेरा ध्यान ज्यादा जाएगा। इन सब ने पिछले 300-400 वर्षों में जो पश्चिम में जस्टिस का विचार है, जस्टिस की अवधारणा है, उसके विषय में कुछ बड़ी मूलभूत बातें कही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना है तो मैं इनमें से किसी का भी विद्वान नहीं अपने आप को मानता, मैंने किसी को भी बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ। कुछ जो सूत्र रूप में मैंने पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर साहब के कहने के बाद से पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा बहुत जो मैं देख पाया उसके आधार पर ही मैं अपनी बात कह रहा हूं। प्लेटो में जो कुछ मुख्य बातें हमें दिखाई देती हैं, प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है? जस्टिस एक रैशनल ऑर्डर को, एक तर्कसंगत व्यवस्था को स्थापित करने का उपाय है, लेकिन उनके वो तर्कसंगत व्यवस्था क्या है ये भी सोचना पड़ेगा। उनके तर्कसंगत व्यवस्था लगभग लगभग वही है जो हमारे यहाँ चतुर्वर्ण व्यवस्था है। उन्होंने भी चार भागों में समाज का विभाजन किया और ये कहा कि न्याय का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, कि हर वर्ग के लोग अपने अपने कर्तव्यों का सम्यक प्रकार से निर्वहन करें और कोई एक दूसरे के कर्म में हस्तक्षेप न करे। तो जस्टिस लाइज इन ईच डूइंग हिज ड्यूटी, और ये कहकर उन्होंने ये भी मान लिया कि सर्वेंट्स जो हैं, सेवक वर्ग जो है, और स्लेव्स, दास जो हैं, उन्हें अपने हीन स्थान को स्वीकार करना चाहिए, यही उनके लिए जस्टिस है। एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने कहा कि जस्टिस वो है जो फेयर हो, उचित हो, लेकिन और उचित में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक न्याय संगत विभाग संसाधनों का होना चाहिए, और अगर कहीं पर उसमें असंतुलन है तो उस असंतुलन को दूर करना भी न्याय का हिस्सा है। लेकिन अरस्तु भी जो समाज में स्तरीकरण था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, और स्त्रियों की और स्लेव्स की, दासों की जो एक स्थिति थी, हीन स्थिति थी, उसको ठीक करना उन्होंने उस समुचित नहीं समझा। वो ये मानते हैं कि सारे लोग बराबर नहीं होते, वो ये भी मानते हैं कि पुरुष जो हैं वो स्त्रियों से बेहतर होते हैं, वो ये भी मानते हैं कि ग्रीक्स जो हैं वो अन्य लोगों से बेहतर होते हैं। तो न्याय की बात करते करते वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव को अपने चिंतन में स्थान दे लेते हैं।
वो दोनों प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में यही देखा कि वो दोनों इनइक्वालिटी जो है समाज में उसको ही रैशनलाइज करने की, उसी को स्थापित करने की, उसी को पुष्ट और प्रमाणित करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। इसलिए उनके पास वो चिंतन नहीं है जो बाद में पश्चिम में उदित हुआ है। क्रिश्चियन थिंकर जो सेंट ऑगस्टीन इत्यादि आए, उनके लिए जस्टिस का मतलब ये जरूर था कि जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिले। और दोनों ये क्रिश्चियन होने के नाते, ईसाई परंपरा के होने के नाते, उन्होंने बाइबल की महत्ता को स्थापित किया। और जस्टिस उनके अनुसार एक ऐसी व्यवस्था थी जो ईश्वरीय है, ईश्वर कृत है। इसलिए वो ईश्वरीय व्यवस्था में ज्यादा उनकी आस्था थी, न के राजनीतिक व्यवस्था में। तो यहां से राजनीति बनाम ईश्वरीय व्यवस्था का जो एक भेद है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो नेचुरल राइट अल्टीमेटली स्टेम्स फ्रॉम द इटर्नल इम्यूटेबल विल ऑफ गॉड हु क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड क्रिएट्स इट विद हिज विद डिवाइन प्रोविडेंस। और लेकिन इन्होंने भी, सेंट थॉमस एक्विनस ने भी स्लेवरी जैसी व्यवस्था को स्वीकार किया और यह कहा कि सो लॉन्ग एज नो क्रिश्चियन इज द स्लेव ऑफ अ नॉन क्रिश्चियन, तब तक वो व्यवस्था ठीक है। इसके बाद जो समय आता है वो इसकी इस पृष्ठभूमि में एक दो बड़े महत्वपूर्ण विचारक रहे प्राचीन काल के, जो एक अनइक्वल समाज की प्रतिष्ठा करने में, अनइक्वल समाज, एक विषम समाज का समर्थन करते रहे। उसके बाद दो और बड़े प्रमुख समर्थक विचारक आए जिन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था को एक ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया और राजनीतिक व्यवस्था से उसको पृथक करने का प्रयास किया। इन दोनों ही प्रयत्नों के, इन दोनों ही विचारों के विरोध में एक तरह से 16वीं 17वीं शताब्दी का जो आंदोलन है वो बड़ा वो उभरा है। तो जो प्रोटेस्टेंट्स का जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, विज्ञान का उदय हुआ और धीरे धीरे इस बात का आग्रह हुआ कि चाहे सत्ता राजा की हो, चाहे वो सत्ता दैवी सत्ता की हो, पुरोहितों की हो, चर्च की हो, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, हम उसको चुनौती दे सकते हैं। तो इसने जो खास तौर पे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट था, उसने चर्च की जो प्रभुसत्ता थी उसको बहुत ज्यादा चुनौती दी। ये लोग केवल, ये जो विचारक आए बाद में, ये केवल हर चीज को ईश्वर से जोड़ने ही के विरोध में नहीं थे। सब कुछ ईश्वरीय है, सब कुछ ईश्वरीय है, ऐसा ही इसी बात, ये कहकर आप हर 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 व्यवस्था को उचित ठहरा दें कि राजा को ईश्वर ने बनाया इसलिए राजा जो भी करे वो सत्य है, ऐसी जो व्यवस्था, द किंग कैन डू नो रॉन्ग इत्यादि जो विचार थे वो उस विचारधारा के विरुद्ध आए। और इस बात के, इसलिए इस बात की उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया, इस बात के लिए विशेष रूप से स्थापना की कि ये जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब मनुष्य कृत हैं, ईश्वर कृत कुछ नहीं है। इसलिए जो कुछ भी मनुष्य की व्यवस्था है, जो भी मानुषी, जो भी मानुष व्यवस्था है, वो उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। उसका कुछ लोग अपने छल छद्म से अपने फायदे के लिए प्रयोग भी कर सकते हैं और दूसरी ओर अगर वो मानुष व्यवस्था है तो और लोगों को उसमें संशोधन करने का अवकाश भी मिलता है। तो इसलिए क्या संशोधन होना चाहिए, इस पर आगे चिंतनों ने किया। हॉब्स एक बड़े भारी विचारक रहे समाजशास्त्री, जिन्होंने कहा कि जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, वो सब मनुष्यों ने एक आपसी समझौते से, आपसी सहमति से बनाई है। इसलिए जस्टिस का मतलब है कि जो वो आपसी सहमति से व्यवस्थाएं बनी हैं, उन उन आपसी सहमति से बनी हुई व्यवस्थाओं का सब पालन करें और जो कुछ उस आपसी सहमति से बनी हुई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है वही अन्याय करता है। लेकिन हॉब्स ने इस बात को भी माना कि अगर सब लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से उन व्यवस्थाओं का पालन करें तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि समाज में बहुत लोग हैं जो अपनी बनाई हुई व्यवस्थाओं का पालन नहीं करेंगे। इसलिए एक समर्थ, सबल, सशक्त राज्य की भी आवश्यकता है।
ह्यूम ने भी जस्टिस को एक मैनमेड वर्च्यू कहा और ये कहा कि हमने इस सारी व्यवस्था को अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मनुष्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया है और वो हमारे उद्देश्य जो हैं हमारे साथ साथ हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप हमने बनाए हैं। सॉरी मैं इसको चलाना आगे भूल गया। तो मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, हमारी जैसी जैसी जरूरतें होती हैं, जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन होता है उसके अनुसार हमारी जरूरतें बदलती हैं और हमारे अनुभव बदलते हैं, इसलिए सामाजिक व्यवस्थाओं को भी बदलना होगा। तो फिर भी जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो न्याय हो, वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो हमारे लिए कोई ना कोई उपयोगी है। अब वो हमारे उस प्रयोग में आ रही है नहीं आ रही, वो हमारे उन उद्देश्यों को सिद्ध कर रही है कि नहीं कर रही जिनके लिए वो बनाई गई है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। उसके बाद और भी कुछ विचारक आए जिन्होंने इस पर चर्चा की। धीरे धीरे हम देखते हैं कि अब जो आज जो न्याय व्यवस्था के विषय में मुख्य मूल रूप से चिंतन है उसका व्यवस्थित रूप से लेखन और प्रतिपादन रॉल्स ने किया। अभी पिछली शताब्दी में उन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में अपने ग्रंथ लिखे और दो मुख्य बातें उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के रूप में दी कि एक तो सर्वत्र अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इक्वालिटी, समानता एक बड़ा भारी मूल्य न्याय दर्श न्याय का बन जाता है, दर्श जस्टिस का बड़ा भारी हिस्सा बन जाता है। और वो इक्वालिटी इस रूप में है कि समाज में हम देख रहे हैं कि वस्तुतः इक्वालिटी नहीं है, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं समाज में बहुत हैं। वो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मात्रा में समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमताएं लाना पड़ रहा है तो वो तभी हो सकती हैं जब जिन लोगों को उस विषमता के चलते कुछ कम अधिकार मिल रहे हैं, कुछ कम विशेषताएं, कुछ कम लाभ हो रहे हैं, उनको समुचित रूप से कॉम्पेंसेट किया जा सके, तब वो उस स्थिति में विषम समाज की बात कर सकते हैं, हम विषमताओं को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा हर तरह से समाज में समानता होनी चाहिए। और इसीलिए इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए मूलभूत जो समानता है और मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं वो सब होनी चाहिए, और सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के वितरण में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। वो ये मानते हैं कि बेसिक लिबर्टीज का बड़ा महत्व है, सिविल लिबर्टीज का बड़ा महत्व है, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड सीजर इत्यादि इत्यादि। ये जो उसका व्यावहारिक पक्ष है जस्टिस का, सामाजिक और वैधानिक दोनों दृष्टियों से, सामाजिक और कानूनी दृष्टि दोनों से उस पर उनका ध्यान अधिक फोकस हुआ है। इससे हम देखते हैं कि किस तरह से एक किस तरह से जो करंट अंडरस्टैंडिंग है हमारी जस्टिस के बारे में विश्व भर में, एज अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, जस्टिस एज अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, इस रूप में पश्चिम में वो उभरी है और पिछले 400 वर्षों में जो उसका वो प्रबल हुई है, सुदृढ़ हुई है, वो एक तरह से प्लेटो, अरिस्टोटल और मेडिवल क्रिश्चियन पॉलिटिकल थिंकर्स के प्रतीप के रूप में, उसके विरोध के रूप में, उसके प्रत्येक प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। हमारे अपनी परंपरा की बात करें तो मैंने कहा कि उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी है, और जो हमारे यहाँ जो थ्योरेटिकल और फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस है वो थ्योरेटिकल रूप में इतनी नहीं मिल रही जितने के
हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शंस हैं, नियम दिए गए हैं, विधि निषेधों की व्यवस्था मिलती है, इसलिए हमें उन अपने नियमों को देखना होगा, उनके मूल में जाना होगा, उनकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। उसके लिए हमें जो टीकाकार भाष्यकार हैं उनके भी नियमों को देखना, उनके टीकाओं को देखना होगा। उससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कालक्रम से परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं, एक स्मृति में कुछ लिखा, दूसरी स्मृति कुछ और कह रही है, तीसरी स्मृति कुछ और कह रही है, एक टीकाकार किसी विषय की स्थापना कर रहा है, दूसरा टीकाकार उसको बदल रहा है, निबंधकार बदल रहे हैं, तो जिस तरह से परिवर्तन समाज में होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से परिवर्तन धर्मशास्त्र के ग्रंथों में होते चले जा रहे हैं, उन परिवर्तनों को देखकर हम अनुमान कर सकते हैं कि अमुक परिवर्तन अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। कुछ की तो उन्होंने जस्टिफिकेशंस दी हैं, जिसका मैं आगे थोड़ा सा उल्लेख करूंगा और समय मिला तो चर्चा के समय और उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उनको धर्मशास्त्रों ने पूरा पूरा रिकॉर्ड किया है और लिखित रूप में उसको हमने अब हम तक वो पहुंचा है। जब हम न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम ये समझते हैं कि जस्टिस का मतलब यह है कि किसी को जो कुछ मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला। जिस हम समझते हैं किसी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी पद का, किसी अधिकार का, किसी वस्तु का अधिकारी है, उसको वो मिला कि नहीं मिला। और अगर उसको वह मिलता है तो हम कहते हैं उसके साथ न्याय हुआ है, और अगर हम कहते हैं कि उसको वो नहीं मिला तो हम कहते हैं उसके साथ अन्याय हुआ है। जहां पर दो परस्पर लोगों में, दो वर्गों में, दो व्यक्तियों में किसी प्रकार का टकराव हो, किसको वह अधिकार मिले, किसको वह अधिकार ना मिले, किसको वह वस्तु मिले, किसको वह वस्तु ना मिले, इस पर अधिकार हो, तो फिर न्याय व्यवस्था यह भी करती है कि कोई उसके परस्पर विरोधी दावों का निर्धारण करता है, समाधान करता है और ये बताता है कि किसको क्या मिलना चाहिए। इस क्रम में यह भी न्याय का आवश्यक हिस्सा बन जाता है कि उसने किस प्रक्रिया को अपनाया, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। उसके अतिरिक्त एक जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है न्याय में, वो जस्टिस में, वो प्रक्रिया का प्रश्न रहता है कि क्या इन विवादों का समाधान करने के लिए समुचित प्रक्रिया का समुचित प्रक्रिया को अपनाया गया कि नहीं। फिर और भी बहुत से प्रश्न हैं, ये कौन निर्धारित करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ये एक और भी बड़ा मूलभूत सवाल हो जाता है। वो किस आधार पर निर्धारित करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो किस आधार पर निर्धारित करेगा कि किसको क्या मिलना चाहिए और किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, अधिकारों और विशेषाधिकारों का निर्णय कैसे होगा और कौन करेगा। जस्टिस एक लीगल कैटेगरी बन जाता है जब हम बात करते हैं कि राज्य इसका निर्धारण करे। हमारे यहां समाज को भी कुछ हद तक ये अधिकार दिया गया, उसकी चर्चा में करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से जिसे राजा कहा गया, राजा मतलब स्टेट, राजा मतलब राज्य आज की भाषा में, तो राजा को ही धर्म का प्रतिभू मान लिया गया, राजा को ही इस बात का अधिकार दिया गया कि धर्मशास्त्र की सारी व्यवस्थाओं को वह लागू करवाए, क्योंकि धर्मशास्त्रकारों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि धर्म की व्यवस्थाओं को लोग अपनी स्वेच्छा से मानने वाले नहीं है, कम लोग हैं। प्रोफेसर आंगिरस ने वो कोट किया, वो एक यूटोपिया है, वो एक ऐसा विचार है जो जमीन पे शायद कभी नहीं, सतयुग में रहता होगा लेकिन सतयुग हमारे कल्पना से दूर है, हम लोग तो कलयुग में पैदा हुए और कलयुग में कई लाख साल का हो चुका है, अगर उस बात पर भी चले तो कई लाख साल के कलयुग हम भोग चुके हैं, इसलिए धर्मशास्त्र कलयुग में ही चाहिए। जब धर्म के चारों पैर बराबर थे तो इतनी
व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। खैर, भारतीय चिंतन में जब हम धर्मशास्त्र की बात करें तो एक जो, या जस्टिस की बात करें, न्याय की बात करें, तो एक जो महत्वपूर्ण स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है वो है मात्स्य न्याय। मात्स्य न्याय से पता चलता है कि धर्म क्या है। मात्स्य न्याय का मतलब क्या है? मछली का न्याय, मछलियों का तरीका। जिस तरह से समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से समाज में जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमजोरों को प्रताड़ित करते हैं। मनुस्मृतिकार ने इसको बड़े अद्भुत शब्दों में दिखाया है। मात्स्य न्याय का एक दूसरा स्वरूप बताया, कहते यदि राजा दंडनीय लोगों को प्रताड़ित दंडित न करे, जिसको दंड देना चाहिए उसको दंड न दे, तो एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो गई। यदि न प्रणयेद राजा दंडम दंडे स्वतंत्रतः, शूले मत्स्यानि वा पक्षं दुर्बलानि तरे जनः। किसी आदर्श की बात नहीं कर रहे मनुस्मृतिकार। अगर राजा दंडनीय लोगों को दंड न दे तो इतरे जनः, दूसरे लोग, यानी इससे यहां अभिप्राय है बलवान शक्तिशाली लोग दुर्बलान, दुर्बल लोगों को ऐसे पकाकर खा जाएं जैसे लोग मछली को सलाखों पर चढ़ाकर भून के खा जाते हैं। तो जैसे लोग मछलियों को भून के खा जाते हैं, ऐसे ही दुर्बलों को दूसरे लोग यानी बलवान लोग मारकर खा जाएंगे। इसलिए धर्म की रक्षा करना, एक जो मुख्य कार्य है वो दुर्बलों की रक्षा करना है। जस्टिस सिस्टम का मुख्य प्रयोजन दुर्बलों की रक्षा करना है, उनकी रक्षा करना है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो धर्म जो है वो एक तरह से हमारे यहां वही जस्टिस है, और वही जो है मात्स्य न्याय का इलाज है। इट्स एन एंटीडोट फॉर मात्स्य न्याय। इट कंसिस्ट इन एंश्योरिंग प्रोटेक्शन फॉर द वीक एंड सूटेबल चेक्स ओवर दोज हु ट्रबल अदर्स। इसीलिए भारतीय समाज में, धर्मशास्त्र में ही राजनीतिक सत्ता को यह मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह मुख्य दायित्व दिया गया। इसीलिए कहा गया राजा का मुख्य प्रयोजन है प्रजा नाम पालनम। अब प्रजा पालन का मतलब केवल पुलिस ड्यूटी नहीं है, प्रजा पालन का अर्थ केवल कानून व्यवस्था नहीं है, प्रजा पालन का मतलब केवल ये नहीं कि राजा के पुलिस वाले और गुप्तचर सारे में घूमते रहें और लोगों को पकड़कर दंडित करते रहें। प्रजा पालन का अर्थ जो आता है, धर्म का अर्थ हो जाता है धारणम। और धारण का मतलब केवल स्टेटस को मेंटेन करना नहीं हो सकता। धर्म का मतलब वो सब कुछ करना है जो सत्य है, शिव है, भद्र है, जिससे सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए धर्म जो है वो निर्धनों, कमजोरों की सहायता करने के लिए पॉजिटिव एक्शन करने का नाम है। अर्थशास्त्र के विषय में हम लोग सोचते हैं कि अर्थशास्त्र केवल छल कपट छद्म सिखाता है, लेकिन अर्थशास्त्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की भी स्थापना कर रहा है जहां पर राज्य या राजा कमजोरों का, दुर्बलों का मित्र है, उनका भला करने वाला है। कौटिल्य ने कितना स्पष्ट कहा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्, नात्मप्रियं हितम् राज्ञः प्रजानां तु प्रियं प्रियं धान्य पशु। हाँ, कुछ और पंक्तियां मैं आगे लूंगा। तो राजा अपने स्वार्थों से हटे और प्रजा के हित को सोचे, यही राजा के लिए मुख्य निर्देश है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही जनपद सन्निवेश का एक प्रसंग आता है, नए शहर की स्थापना करना। उस संदर्भ में राजा ने बताया कि अब आपको लोगों को नए शहर में बसाना है तो कैसी कैसी सुविधाएं लोगों को देनी है। लोगों को ले जाए तो वहां पर लोगों को धान्य पशु हिरण्यैश्चैनान अनुग्रहणीयात्, धान्य पशु हिरण्य से उनको अनुग्रह करे, उनको धान बीज भी दे, पशु भी दे, पैसा भी दे। मूव कर रहा है लोगों को नए शहर की ओर। राजा को चाहिए स्टेट शुड बिल्ड डैम्स एंड पॉन्ड्स फॉर सप्लाई ऑफ वाटर।
State should look after children, the aged, the sick and others in distress. Baal, Vridh, Vyadhit, Vyasani, Anathansh, Vibriyat. Striyam aprajatam, aisi striyam jinke koi santan nahi hai. प्रजाता याश्च पुत्रान, स्त्री है जन्म देकर बालक शिशुओं को जन्म देकर उसकी मृत्यु हो जाती, तो उन बच्चों की भी देखभाल करनी राज्य का काम है। इसलिए राज्य को तरह तरह की फ्री फैसिलिटीज लोगों को देनी है, ये भी हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों से, बूढ़ों से और गर्भिणी स्त्रियों से नदी पार करने के लिए नाव का किराया नहीं लिया जाएगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही वो प्रिविलेज ब्राह्मणों को, सन्यासियों को भी मिलनी चाहिए, इस तरह की बात अर्थशास्त्र कहता है। हमारे जो राज्य का स्वरूप बताया गया, हमारे महाकवियों ने जो राज्य का स्वरूप बताया, उसमें कालिदास की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब कालिदास कहते हैं कि दिलीप के विषय में कहते हैं कि किस तरह से वो अपनी प्रजा का पालन करता था, तो ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगती है, जो हमें समझनी चाहिए कि न्याय किसे कहते हैं, शासन किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करने वाले शब्द हैं, इन्हें कहीं भी आइसोलेशन में रखकर नहीं देखना चाहिए, अलग अलग पृथक पृथक इन शब्दों को नहीं देखा जा सकता, ये सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो प्रजा नाम विनयाधानाद रक्षणाद भरणादपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवा। पिता उन बच्चों के पिता तो केवल जन्म का कारण थे, उनसे वो पिता केवल बच्चों को जन्म देते थे, और बाकी सारा काम प्रजाओं का विनयाधान, उनकी एजुकेशन हो, उनको ट्रेनिंग हो, उनका रक्षण हो, उनका भरण पोषण हो, वो सब काम स्वयं राजा दिलीप कर दिया करते थे। तो ये है जस्टिस का स्वरूप, केवल दो लोगों के विवादों में समाधान जस्टिस नहीं होता, केवल पुलिसिंग ड्यूटी जस्टिस नहीं होती, ये है जस्टिस कि लोगों के सब तरह की सुख सुविधाओं का इंतजाम सरकार करे, शासन करे। ये भी एक पक्ष भारत में जस्टिस का बड़ा प्रबल पक्ष है। फिर हमारा परंपरा इस बात को भी बड़ी अच्छी तरह समझती है कि जिसको हम कोर्ट कचहरी की व्यवस्थाएं कहते हैं, कानून की व्यवस्थाएं कहते हैं, वो अपने आप में बड़ी जस्ट और फेयर होनी चाहिए। हम इसलिए जजेस के बारे में, कैसे जज होने चाहिए, इसके बारे में बड़ी सुंदर चर्चा है। वो हर प्रकार के पक्षपात से मुक्त होने चाहिए, उन्हें स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, बड़े ज्ञानी विद्वान होने चाहिए, बहुत से शास्त्रों का उसको बोध होना चाहिए, और शास्त्रों के नियम, शास्त्रों के विधान के अनुसार और उस तत्त्व शास्त्र के विद्वानों की सलाह के अनुसार उनको निर्णय करना चाहिए। न उनमें क्रोध होना चाहिए, न लोभ होना चाहिए, न भय होना चाहिए, बड़े उदार। पढ़ूंगा नहीं, ये भाव भी कईयों का रहता है, खासतौर पे मतलब अगर मैं विचार करूं तो हमारे पुलिस थानों में ये, अगर कोई आ गया तो ये गलती है, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई लड़की अगर ये भी कंप्लेंट करने जाती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तो पहले पुलिस वाले उसके और उसके घर वालों को दो दो डंडे यही मार कर कहते हैं तुम्हारी लड़की में कोई खोट होगा। तो ये जो मानसिकता है, इसको क्षुद्रता मैं मानता हूं। तो राजा को, राज व्यवस्था को ऐसी क्षुद्रता इसमें नहीं होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसा होता है राजा, कैसा होता है न्यायाधीश? जब राजा न्यायाधीश की गद्दी पर बैठ रहा है तो उसको कैसा व्यवहार होना चाहिए? तस्याहु संप्रणेतारम राजानम सत्यवादिनम समीक्षकारिणम प्राज्ञम धर्म कामार्थ कोविदम तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते। कामात्मा, जो राजा कामात्मा है, मनमानी करता है, विषम है, पक्षपात करता है, क्षुद्र है, जो मैंने कहा वो दंडे नहीं, वो निहन्यते, उस दंड के द्वारा ही वो मारा जाता है। इसलिए कौन कर सकता है न्याय और कौन नहीं कर सकता? जो असहाय है, यानी बिना मंत्रियों के, बिना सलाहकारों के, बिना विद्वानों की सलाह के कर रहा है, मूढ़ है, लोभी है, जिसने स्वयं अपनी बुद्धि का परिष्कार नहीं किया, ज्ञान अर्जित नहीं किया, वह और जो विषयों में आसक्त है, वह न्याय नहीं कर सकता। वह दंड का शब्द देखिए, न शक्य न्यायतः नेतुम,
इसमें कर्म है दंड। जो व्यक्ति इन दुर्गुणों से युक्त होगा वो न्यायतः न्याय नहीं कर सकेगा, वो न्यायतः दंड नहीं दे सकेगा। तो यहां पर न्यायतः शब्द जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, न्यायतः न्याय से न्यायपूर्वक दंड नहीं दे सकेगा। तो न्यायपूर्वकता के लिए इन दोषों से मुक्त होना और इनमें दिए हुए गुणों से युक्त होना आवश्यक हो जाता है। शुचिना सत्य संधेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुम शक्यते दंड सुसहायेन धीमता। अब इसका विपरीत है, जो शुचि है पवित्र हृदय वाला है, यथा शास्त्र का शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाला है, सुसहायक है, उसके पास योग्य सलाहकार हैं और स्वयं भी विद्वान है, बुद्धिमान है, ऐसे ही न्यायाधीश के द्वारा और राजा के न्यायाधीश का कर्म करते हुए राजा के द्वारा सम्यक प्रकार से न्याय व्यवस्था को का प्रणयन किया जा सकता है। तो इतनी चर्चा हमने अभी की है। अभी एक कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। हमने अभी इस महत्वपूर्ण शब्द का, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि हम नियमों की, कानूनों की वैधता का निर्धारण कैसे करेंगे। हाउ डू वी डिसाइड कि कोई कानून सही है या नहीं, हाउ डू वी डिसाइड कि कोई नियम सही है या नहीं, वो वैलिड अपने आप में है या नहीं। व्हाट मेक्स लॉज राइट और गुड और जस्ट और करेक्ट। एक तो सरल उपाय इसके हो गया कि भाई ये मान लीजिए किसी 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 ईश्वर की अथॉरिटी से है, किसी व्यक्ति की अथॉरिटी से है, तो मान लिया। यद वै किंच मनोरब्रवीत तद भेषजम, मनु ने जो कहा वो। लेकिन मनु को ही किसने माना? मनु तुरंत किसी ने कह दिया कलौ पराशर स्मृति, कलयुग में पराशर स्मृति चलेगी, मनुस्मृति नहीं चलेगी। और वैसे भी स्मृतियों में परस्पर विरोधाभास के प्रसंग कई हैं। वेद की पर, वेद को परम प्रामाणिक मानने की कोशिश की गई, मीमांसकों ने वेद को अपौरुषेय कह दिया और किसी ने न्याय आदि के ने उसको ईश्वर कह दिया। ये सब कहकर वेद की प्रामाणिकता, स्मृतियों की प्रामाणिकता क्यों? क्योंकि वो वेद पर आश्रित हैं, या मनु आदि जैसे विशिष्ट ऋषियों के द्वारा प्रणीत है इसलिए उनकी प्रामाणिकता है। लेकिन एक बड़ी जो रोचक बात हमें धर्मशास्त्र के सब को पढ़ते समय समझनी होगी कि हमारे यहाँ हमने वेद की प्रामाणिकता मानी, स्मृतियों की प्रामाणिकता मानी, लेकिन मेरा एक शब्द का प्रयोग मैं करना चाहता हूं कि वो सब टोकन है, वो प्रतीकात्मक है। धर्मशास्त्र में न वेद की न स्मृतियों की अखंड अखंड अकाट्य प्रामाणिकता नहीं है। हमारे परिश्रम, हमारे दर्शन में इस बात को समझा गया कि अगर धर्म को इस तरह से रिजिड मान लिया गया, किसी एक ग्रंथ, किसी एक पुस्तक, किसी एक कथन, किसी एक व्यक्ति के शब्द को प्रमाण मान लिया गया, तो व्यवस्था चलेगी नहीं, अधर्म हो जाएगा। इसीलिए धर्म का बड़ा भारी क्रिटिक हमारे देश में है, हमारी परंपरा में है। इतना यहां तक के मेधातिथि जो के मनुस्मृति के इतने 8वीं शताब्दी के बड़े प्रमुख भाष्यकार हैं, उन्होंने धर्म और व्यवहार में ही अंतर कर दिया और कह दिया धर्म का, अब लिमिटेड अर्थ में जब धर्म को ले रहे हैं, सीमित अर्थ में, धर्म का संबंध केवल अलौकिक तत्वों से है, ईश्वर से है, देवता से है, पूजा उपासना से है, जो आज हम धर्म का एक लिमिटेड अर्थ लेते हैं। वो अर्थ उस समय मेधातिथि कर रहे हैं कि उन सब व्यवस्थाओं का संबंध धर्म, धर्म उन सब व्यवस्थाओं से धर्म का संबंध है जो अति लौकिक हैं। लेकिन लौकिक व्यवस्थाएं उनका क्षेत्र व्यवहार है, इसलिए धर्म के क्षेत्र में वेद आदि की प्रामाणिकता हो सकती है, लौकिक विद्याओं में, लौकिक विषयों में धर्म वेद की स्मृति वेद की प्रामाणिकता नहीं होगी, 100% नहीं होगी। किसी क्षेत्र में हो सकती है, किसी मामले में हो सकती है, लेकिन सर्वत्र आप चाहें कि वेद की प्रामाणिकता को हम लागू कर लेंगे तो नहीं होगी। तो धर्म ऑपरेटेड ओनली इन द फील्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, जिसको हम लौकिक प्रत्यक्ष आदि से, प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं जान सकते, उन विषयों में धर्म की प्रामाणिकता है, वेद की प्रामाणिकता है। और यहां तक कह दिया गया कि अगर कोई धर्म के प्रमाण शास्त्र में लिखी हुई कोई बातें लोक विरुद्ध हो जाएंगी तो वो मान्य नहीं रहेंगी। इस पर मैं भी बाद में देखता हूं। तो इसलिए स्मृतियों का जो निर्माण हुआ है, इतनी सारी स्मृतियां क्यों हो गई हमारे यहां,
स्मृतियों का जो निर्माण अलग अलग काल में अलग अलग देश में हुआ, वो भी समय के अनुसार, समाज की बदलती हुई व्यवस्थाओं के अनुसार स्मृतियों को हमने नई नई स्मृतियां बनाई हैं। तो हमारे यहाँ वेदः स्मृतिः सदाचारः तीसरा स्थल पर रखा है उसको, यद्यपि सदाचार को तीसरे पाए पर रखा है प्रमाणों में, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसीलिए कहा गया कि गांव के लोगों के अपने धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, ग्राम धर्म, देश धर्म, श्रेणी धर्म, इन सब की प्रामाणिकता हो जाएगी। अब ये निरंतर विवाद का विषय रहेगा कि अगर कभी वैदिक किसी शास्त्र की परंपरा में, शास्त्र के किसी वाक्य में और लोक प्रचलित मान्यताओं में विरोध है, तो किसकी प्रामाणिकता मानोगे? तो धर्मशास्त्र इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है, उसको कोई इसमें लाग लपेट नहीं, कोई उसके मन में शंका शुबा नहीं कि ऐसे में समाज की परंपराएं ही चलेंगी, शास्त्र भी प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर, फिर हमने धर्म के क्षेत्र में तर्क की प्रामाणिकता को महत्व दिया। यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर, और धर्म में हमने खास तौर पे कानून के संदर्भ में प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, जो न्याय दर्शन का वाक्य था, उसको भी लिया और हमने कहा प्रमाण चाहिए हमको, किसी के कहने सुनने से हम शास्त्र को, किसी बात को सिद्ध नहीं मान लेते, तो वहां पर साक्षियों की चर्चा होती है, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स की चर्चा होती है, पोजेशन भुक्ति जिसको एक प्रमाण माना गया, और कई तरह के डिवाइन प्रूफ्स वहां पर हमने रखे, उन सब के आधार पर फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा, उन सब के आधार पर निर्णय होगा कि क्या सच है और क्या गलत है। और ये भी बात मान ली गई कि जहां पर मानवीय प्रमाण मिलते होंगे, मानुष प्रमाण मिलते होंगे, यानी विटनेस डॉक्यूमेंट और पोजेशन जैसे प्रमाण मिलते होंगे, वहां पर दिव्य प्रूफ्स नहीं माने जाएंगे, उनकी प्रामाणिकता नहीं होगी। तो इसलिए जस्टिस हमारे यहां डज नॉट मीन एडियरेंस, ब्लाइंड एडियरेंस टू द लेटर ऑफ द लॉ। धर्मशास्त्र रिकग्नाइजेस द नीड फॉर कॉन्स्टेंट रिविजन ऑफ धर्म ऑफ लॉ। तो जो स्मृतियां हैं वो खुद एक हिस्टोरिकल फैक्ट से उत्पन्न हुई है। जब वेद अनुपलब्ध हो गया, भाषा बदल गई, विचार बदल गए, लोकेशन बदल गई, और समाज में बड़े भारी राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन हो गए, तो नए ग्रंथों की जरूरत हमें निरंतर महसूस होती रही, और हम उसको नए स्मृतियों के माध्यम से उस आवश्यकता को पूरा करते रहे। बाद के ग्रंथों में, अगर बाद के जब हम दसवीं 11वीं शताब्दी तक आते हैं, तो स्मृतियों का भी रूप बदल जाता है। और जो पुरानी स्मृतियां थी, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद इत्यादि, ये जो प्रामाणिक स्मृतियां 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी तक के ग्रंथों में उद्धृत हो रही हैं, बाद में उनका स्वरूप बदल जाता है। मनु याज्ञवल्क्य ऐसी कुछ प्रमुख स्मृतियां तो चलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद अनेकानेक स्थानीय स्मृतियां बनती चली गई, जिनकी प्रामाणिकता तत्त्व क्षेत्र में अधिक होती रही। जो बात मैंने कही कि बड़ा अद्भुत लगता है कि किस तरह से धर्मशास्त्र ने सामाजिक आचार को शास्त्र से ऊंचा ठहरा दिया। एक पंक्ति याज्ञवल्क्य की बड़ी अद्भुत है, अस्वर्गीयम लोक विद्विष्टम धर्मम्यप्याचरे नतु। जो लोक विद्विष्ट है, जिसको अब लोग अच्छा नहीं समझते, वो धर्म होते हुए भी अस्वर्ग है, यानी है धर्म शास्त्र में मान्य होते हुए भी अब वह करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसका आचरण न करे। तो शास्त्रोक्त बात भी लोक विद्विष्ट हो सकती है, और शास्त्रोक्त बात का आचरण आप न करें, यह संभावना हमारा धर्मशास्त्र स्वीकार करता है। और जब इसकी चर्चा होने लगी तो उदाहरण बड़े विचित्र दे दिए, कह रहे देखिए प्राचीन समय में तो नियोग की प्रथा प्रचलित थी, महाभारत आदि ग्रंथों में उसका बहुत उल्लेख होता है, लेकिन अब तो नहीं होता, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कुछ होता है ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप भी उसको करने के लिए बाध्य हैं या हम उसको करने के लिए बाध्य हैं। और दूसरा उदाहरण उन्होंने गोमांस भक्षण का दे दिया, ये विज्ञानेश्वर बोल रहे 12वीं शताब्दी में, कि किसी समय तो ऐसे ग्रंथों में मिल जाता है,
उत्तर रामचरित में मिल जाता है कि जब राजा जनक और तीनों माताएं वाल्मीकि के आश्रम में गए तो उनको एक नव प्रसूता गऊ को गऊ का मांस खिलाया गया। कहते अब पहले कभी होता होगा, अब नहीं होता। तो पुराने शास्त्र उस समय की बातों को रिकॉर्ड करते थे, पुराने शास्त्र उस समय देश काल में होते थे, अनुकूल थे, आज वो अनुकूल नहीं है। तो देश काल के सिद्धांत पर हमने इस बात को भी मान लिया कि धर्म शास्त्र में परिवर्तन शास्त्र को भी छोड़कर किया जा सकता है, शास्त्र को भी छोड़ा जा सकता है। इसलिए अगर जो प्रश्न मैंने उठाया था कि कौन तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, शास्त्र एक बहुत भारी उसमें सहायक हो सकता है, लेकिन बहुत से जगह पर शास्त्र की भी प्रामाणिकता गड़बड़ा जाती है। इन्हीं सब सिद्धांतों को लेकर विज्ञानेश्वर ने, धर्मशास्त्र के अन्य टीकाकारों ने बड़ी क्रांतिकारी बातें कही हैं। उदाहरण के लिए यही जो बात आई है अस्वर्गीयम लोक विद्विष्टम, यह मिताक्षराकार ने स्वयं कोट किया है। जब प्रश्न उठा था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, तो मनुस्मृति में एक नियम, मनुस्मृति में कई नियम थे इसके विषय में, लेकिन एक नियम यह था कि किसी व्यक्ति की, पुरुष की, पिता की मृत्यु के पश्चात सारी संपत्ति ज्येष्ठ पुत्र को मिलनी चाहिए। ज्येष्ठो दायाद, ज्येष्ठ पुत्र ही दाय का अधिकारी होगा। लेकिन याज्ञवल्क ने इस नियम को नहीं माना। याज्ञवल्क ने पिता की संपत्ति में सारे पुत्रों का बराबर का अधिकार माना और पुत्रों के साथ साथ मृतक की विधवा का भी या विधवाओं का भी संपत्ति में समान अधिकार माना। तो वहां पर तुरंत प्रश्न पूर्व पक्षी उठाता है, क्यों आपकी बात क्यों चलेगी, याज्ञवल्क की बात नहीं माननी होगी, मनु की प्रामाणिकता अधिक है, मनु का अधिक प्रमाण है। वहां पर उसने कहा कि यद्यपि मनु में ऐसा लिखा है, यद्यपि विषम विभाग शास्त्र दृष्ट, तथापि अब लोक विद्वष्टत्वात् नाचरणीय, अब के लोगों को यह अनुकूल नहीं प्रतीत होता। और जहां के लिए मिताक्षराकार लिख रहा वहां के लोगों को अनुकूल नहीं प्रतीत होता, बाद में जब देवण भट्ट अपना ग्रंथ लिखने बैठे स्मृति चंद्रिका तो उन्होंने लिख दिया हमारे यहां तो लोगों को बड़ा अनुकूल लगता है। तो जिस बात का खंडन मिताक्षराकार कर रहे थे कि लोक विद्विष्ट है इसलिए मान्य नहीं, उस बात को देवण भट्ट अपने काल और अपने देश में कह रहे हैं हमारे यहां तो लोगों को लोक विद्वेष नहीं है। मिताक्षराकार किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं, किस तरह के तर्क दे रहे हैं कि ये मनु का नियम उस समय चलता था, उस समय बड़ा अच्छा था जब सब भाई भाई बहुत अच्छे थे, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे सब लोग बहुत अच्छे थे, बड़े भाई बहुत अच्छे थे, छोटे भाइयों का ध्यान रखते थे, छोटे भाई बहुत अच्छे थे, बड़े भाइयों का बड़ा सम्मान करते थे, अब तो ऐसा नहीं होता, इसलिए अच्छा है लड़ाई झगड़े से बचने के लिए बराबर बराबर का बंटवारा कर दो। एक नियम यह भी था कि अच्छा बड़े भाई को या तो सारी संपत्ति दो, नहीं तो एक कोई विशेष भाग उसको दे दो। विशेष भाग पर भी लड़ाई हुई कि क्यों दें किसी बड़े भाई को विशेष भाग, सब भाई बराबर बराबर बांटेंगे, तो विशेष भाग देने पर भी झगड़ा है। इसलिए मिताक्षराकार इस बात में है, इस बात के पक्षधर हैं के झगड़ा मिटाने के लिए सबको बराबर बराबर दे दो। तो व्यावहारिकता को धर्मशास्त्र ने बहुत बड़ा स्थान दिया, बड़ा महत्व दिया है कि जो समाज में किसी नियम के कारण अगर कोई और उत्पात खड़ा हो जाता है, धर्म बनाया क्यों था, उत्पात को रोकने के लिए, अव्यवस्था को रोकने के लिए, अब उससे और नए उत्पात खड़े होते हैं तो धर्म को बदलना पड़ेगा, शास्त्र को बदलना पड़ेगा। इसीलिए इसी प्रकार से उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण कुछ और एक दो बस उदाहरण में देकर अब विराम की ओर चलता हूं धीरे धीरे, बड़े ही महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं यह सिद्ध करने के लिए कि कैसे एक पुत्रहीन विधवा को अपनी पति की संपत्ति में अधिकार देना चाहिए। जम के लड़ाई है आपस में धर्मशास्त्रकारों की, जिसको मिताक्षराकार ने मनुस्मृति याज्ञवल स्मृति के दूसरे व्यवहार प्रकरण में दाय भाग के संदर्भ में रिकॉर्ड किया है। कितनी कितनी आर्ग्यूमेंट्स, कितने कितने तर्क पूर्व पक्ष की ओर से दिए गए, जिन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं है, यदि मृतक के कोई पुत्र नहीं है, केवल पत्नी और बेटियां हैं, तो उसकी सारी संपत्ति या तो उस मृतक के माता को मिल जाए, पिता को मिल जाए, भाइयों को मिल जाए, विधवा को ना मिले,
और खूब स्मृतियों की पंक्तियां पे पंक्तियां कोट कर रहे हैं और तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, बड़े कुतर्क भी हैं उसमें कुछ। उन सब का, तर्कों का, कुतर्कों का विद्वानेश्वर ने खूब जम के जवाब दिया, किसी को मजाक में उड़ा दिया, किसी को धमका कर उड़ा दिया। एक जब कहा गया कि साहब अगर आप स्मृति अगर स्त्री को अधिकार देंगे जैसा कि याज्ञवल्क्य ने दिया, तो याज्ञवल्क्य स्मृति की अगर मान्यता स्थापित करनी है तो अन्य जो स्त्रियों के विधवा के पुत्रहीन विधवा के अधिकार का निराकरण करने वाली स्मृतियां हैं वो अनवकाश हो जाएंगी। तो उसका तो सीधा उत्तर विज्ञानेश्वर ने दे दिया कि अगर उन स्मृतियों को मानेंगे तो याज्ञवल्क्य स्मृति अनवकाश हो जाएगी, उसको ऑपरेट करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए ये तो कोई तर्क हुआ नहीं, स्मृतियों के अनवकाश का प्रसंग कोई तर्क नहीं है, ये कहकर टाल दिया उन्होंने। किसी ने कहा कि सब स्त्री धन का क्या करेगी, स्त्री को तो किसी प्रकार की स्वतंत्रता ही नहीं है, न स्त्री स्वातंत्र मर्ति, और स्मृतियों के पंक्तियां कोट कर दी कि स्त्री को तो धन संपत्ति खर्चने कुछ भी खर्चा करने के लिए अपने पति या पुत्र आदि की अनुमति लेनी चाहिए। उसका याज्ञवल्क ने मजाक में उत्तर दे दिया कि ठीक है भाई, संपत्ति खर्चने से पहले पूछ लेंगे, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि हमारा अधिकार ही नहीं है। अधिकार है, संपत्ति हमारी है, स्त्री को मिलेगी, उसकी संपत्ति है, खर्चते समय सलाह मशवरा कर लेगी, इसका यह मतलब नहीं। सलाह लेने का अधिकार का मतलब या अनुमति लेने के भी अधिकार का, अनुमति लेने की व्यवस्था का यह मतलब तो नहीं हुआ कि उसको संपत्ति में अधिकार ही नहीं है। तो इस तरह से बड़े जबरदस्त तर्क वितर्क वहां पर चल रहे हैं, और उससे मैं ये देख रहा हूं कि कोशिश क्या है विज्ञानेश्वर की, धर्मशास्त्र की कोशिश क्या है, किसी को भी किसी की दया माया पर मत छोड़ो, लेट एवरीबडी लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, मान सम्मान पूर्ण जीवन हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये जस्टिस है। किसी के ठीक है, अगर घर के उसके किसी पुत्रहीन विधवा के घर उसके पिता पति के भाई भाई इज्जत से रखें, बड़ी अच्छी बात है, सारी उम्र उसको रखें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्यवहार में ऐसा हम सबके अनुभव में आता होगा ऐसा होता नहीं। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, थोड़े दिन तो संवेदना रहती है, थोड़े दिन तो सब भाभी भाभी कर लेंगे, बड़ा मान सम्मान दे लेंगे, उसके बच्चों को बहुत प्यार दुलार दे लेंगे, लेकिन जहां 2, 4, 5, 10, 20 साल, 50 साल बिताने की बात आती है, वहां सब अपने 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 घर और अपने अपने पत्नी और अपने अपने बच्चों में लग जाते हैं, तो व्हाई नॉट बी प्रैक्टिकल। ये तर्क है विज्ञानेश्वर का, जो व्यवहार से, प्रैग्मेटिक व्यवहार से तर्क। तो स्त्री की डिग्निटी की को कायम रखना और उसको एक निराशा, हताशा और स्लेवरी, दासता की स्थिति से बचाना धर्म है, वही न्याय है। जस्टिस ऑल्सो मीन्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑपोजिट पार्टीज। धर्मशास्त्र में अलग अलग विरोधी लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, संतुलन बनाया जाए, ये जस्टिस है। इसलिए धर्मशास्त्र सूदखोरों से लोगों को बचाने के लिए नियम बनाते हैं कि भाई आप इससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते, या किसी ने आपका ब्याज नहीं चुकाया, आपका उधार नहीं चुकाया, तो आप उसके साथ हिंसा, वायलेंस नहीं कर सकते, मार पिटाई नहीं कर सकते। ये सब हमने थोड़े दिन पहले सुना था कि जो कार लोन देते थे तो कार वाले, लोन देने वाली कंपनी आपकी गाड़ी उठा के ले जाती थी। दैट वाज स्टॉप्ड बाय द कोर्ट्स कि ये तरीका नहीं है लोन रिकवरी का। तो लोन रिकवरी का क्या तरीका होगा, इस पर भी धर्मशास्त्र ने विचार किया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई उधार पैसा दे रहा है और रिस्की प्रोपोजिशन है, किसी ऐसे को उधार दे रहा है जिससे पैसा मिलना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो, वो वैसे ही बहुत गरीब है, तो वो उधार वापस ही नहीं करेगा, वहां पर उसने उल्टा ज्यादा इंटरेस्ट लेने की अनुमति दी है। ये आप जानते होंगे आजकल माइक्रो फाइनेंसिंग पर बहुत बात चल रही है, छोटे छोटे लोन्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बैंक से ज्यादा है, जबकि वो दे गरीबों को ज्यादा रहा है। लेकिन आज का अर्थशास्त्र भी मान लेता है कि क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को जो वो लोन देती हैं उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा है,
इसलिए वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो वही बात धर्मशास्त्र में है कि वैसे एक हमने लिमिट लगा रखी है, इससे ज्यादा सूद नहीं लेना, इससे ज्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं है, ब्याज नहीं लेना, लेकिन जहां हायर रिस्क है वहां पर आप ज्यादा ब्याज ले सकते हैं। इसी तरह से जो व्यापारी हैं, दूर दूर देशों की यात्रा करने वाले हैं, उनमें सामान का खराब होने का चांस ज्यादा है, लुटने का सामान सामान ज्यादा है, चोर डकैतों से लुटने का रिस्क है, समुद्री यात्रा करते पूरा का पूरा जहाज डूब गया तो कितना भारी रिस्क है। तो व्यापारी ने तो रिस्क लिया ही है, लेकिन जिसने उसको उधार दिया लाखों रुपया उसका कितना भारी रिस्क है। तो इसलिए उसको भी थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने की अनुमति धर्मशास्त्र के नियम दे देते हैं। तो ये बैलेंसिंग इंटरेस्ट है, आम जनता को व्यापारियों से बचाना, मिलावटखोरी से, धोखाधड़ी से, कम तोलने से, नकली सामान देने से बचाना, ये धर्मशास्त्र ने किया है, नियम बनाए। लेकिन वहीं व्यापारियों को अपने मेहनत का, अपने काम का, अपनी इन्वेस्टमेंट का भरपूर फायदा हो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई। तो इस तरह से कई बार बायर्स भी धोखाधड़ी करते हैं। आजकल अमेजोन पर बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, उनका नियम है कि आप 4-5 दिन के अंदर अंदर चीज वापस कर सकते हैं। तो लोग बकायदा, हम जानते हैं, कमीज मंगाई, पहन ली, अगले दिन पैक करके वापस कर दी। तो बायर्स भी कम बेईमान नहीं है, इसलिए इसके भी नियम है कि अगर किसी बायर ने उस वस्तु का प्रयोग कर लिया और वो वस्तु प्रयोग करने से खराब हो गई इत्यादि, कुछ भी किसी तरह से उसमें खराबी आ गई, तो वो वस्तु वापस नहीं की जा सकती, फिर बायर को प्रोटेक्शन धर्मशास्त्र की नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े रोचक, जमीनी धरातल पर उतरकर न्याय किसे कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें धर्मशास्त्र के बड़े दार्शनिक लेवल पर बात करना अलग है, लेकिन जमीन पे दुनिया में रहते हुए न्याय किसे कहते हैं, ये धर्मशास्त्र में दिखाता है। जस्टिस क्या है? जस्टिस, बस एक दो मिनट और, जस्टिस ये है कि हम किसी दूसरे का नाजायज फायदा ना उठाएं, ये भी जस्टिस है। जैसे समाज व्यवस्थाओं के बारे में बात आई, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, गांव की समिति है, मोहल्ला समिति है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एसोसिएशन है, वो आपके लिए कुछ काम करती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना चंदा दें, ये भी धर्मशास्त्र कहता है। तो जो व्यक्ति गांव में कुआं खोदने के लिए अगर बुलाया गया है, बावड़ी बनाने के लिए बुलाया गया, सड़क बनाने के लिए बुलाया गया, और वहां जाकर अपना लेबर और पैसा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, उसको भी सजा मिलेगी। और गांव में या शहर में या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो व्यवस्थापक हैं, मैनेजर्स हैं, वो अगर पैसे में हेरा फेरी करते हैं, उनको भी सजा मिलेगी। तो दोनों तरफ से बैलेंसिंग करने की कोशिश धर्मशास्त्र करता है। तो बिल्कुल जमीनी धरातल पर मैं कह रहा हूं कि रोजमर्रा की जिंदगी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जस्टिस, न्याय और धर्म करता है। हमारे यहां उसको धर्म कहते हैं। तो इन कंक्लूजन आई वॉन्ट टू से ओनली टू थिंग्स कि हमारे यहां ये जितनी भी हम जिसको हम जस्टिस कह रहे हैं उसके सारे स्वरूप जो है दो चीजों में आते हैं। इंडिया में जस्टिस का आइडिया जो है, इट इज कवर्ड अंडर द ओवर आर्चिंग सिस्टम ऑफ धर्म। ये तो हो गया, लेकिन धर्म का मतलब फिर, धर्म एज जस्टिस डील्स विद ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसमें रिलीजन भी आता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी आता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स भी आती है, फैमिली भी आती है, वायलेंस भी आती है, वायलेंस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी भी आता है, राज्य का प्रशासन भी आ जाता है उसी के अंतर्गत। तो धर्म एक बड़ी भारी व्यापक व्यवस्था है, उसी में जस्टिस उसका एक हिस्सा बन जाता है। एंड सेकेंडली, इन प्रैक्टिकल लाइफ धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य दोनों साथ साथ चलते हैं। सत्यानिते मिथुनी कृत्य वर्तते लोक यात्रा, और धर्मशास्त्र जो है इस बात के प्रति पूरी तरह जागरूक है। इसलिए वो अपने आप को भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है और अपने आप को भी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मेरे समझ में ये आता है कि जो पिछले कई शताब्दियों से हमारा जो उस धर्मशास्त्र की जीवंत परंपरा के साथ एक संपर्क विच्छेद हुआ है, जिसके कारण हम कई गलत फहमियों में चले गए हैं, कई प्रकार के अंधविश्वास विश्वास हमारे यहाँ पनपने लगे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ उसको बहुत महान मानने वाले, कुछ उसको बिल्कुल न समझने वाले।
ये सारी जो है उसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी परंपराएं हमारे देश में पनप गई पिछले कई सौ वर्षों में जो बहुत ही अमानवीय है। और ये हम सब अपने परंपरा के नाम पर, हमारी परंपरा के नाम पर हम स्वीकार कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग कि हमारा अपनी परंपरा से पूरा परिचय अभी है नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत व्यापक और बहुत विस्तृत और बहुत सूक्ष्म तरीके से आपने न्याय से संबंधित बातों को हमारे साथ साझा किया है, और निश्चित रूप से इनमें से बहुत सारे पक्षों से तो हमारा परिचय नहीं था बिल्कुल भी, जिसका लाभ आज आपकी वजह से हमें उपलब्ध हुआ है। और कई चीज़ें ये भी समझ में आई कि किस तरह से संविधान और जो न्याय व्यवस्था, संविधान को और ज्यादा और परिपक्व कर सकते हैं, जो उसमें कई तरह के अंतरंग जो हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं, जैसे धर्मशास्त्रों में भी दिखाई देते हैं, तो उनके ऊपर एक चर्चा करनी मुझे लगता है नितांत आवश्यक है और बहुत लाभकारी भी रहेगी वो तो। लेकिन आपने जिस तरह से इस सारी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो वाकई बड़ा प्रभावी है, और हमारी दृष्टि को उसने बड़ा व्यापक भी किया है और संवेदनशील भी किया है कि इस जो न्याय व्यवस्था है जिसे आप धर्म भी कहते हैं, उसके उसको उसके प्रति जो समझ होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उसमें भी संवेदनशीलता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवेदनशीलता के बिना जो है वो कभी कोई न्याय न्याय नहीं हो सकता, वो एक केवल जड़ता हो सकती है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रभावी आपका वही वक्तव्य है, उसके लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर चिमनलाल जी करेंगे और मैडम शायद आशुतोष जी की आवाज नहीं आ रही किसी कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं तो यहाँ उपस्थित हूँ। हाँ जी सर, जी सर, प्लीज। हाँ, प्रोफेसर अंगिरस की आवाज नहीं आ रही, सॉरी। हाँ सर, हाँ सर, मेरा नाम भी आशुतोष जी सर, जी सर, प्लीज। आशुतोष अंगिरस जी की आवाज नहीं आ रही, तो शायद मुझे लगता है कि सर भी ये कहना चाह रहे हैं, अगर किसी भी साथी का, किसी भी टीचर्स का, किसी स्टूडेंट्स का और अदर डिग्नेटरीज का कोई क्वेश्चन है तो हमारे जो आपके आज के चीफ गेस्ट है उनसे अपने क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, प्लीज। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। महेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं कुछ, हाँ सर, मेरे को 5 मिनट मिल सकते हैं सर? 5 मिनट नहीं, जो भी संक्षिप्त टिप्पणी है, क्योंकि वो है जो भी टिप्पणी है या सुझाव है या प्रश्न है। हमारी जो मॉडर्न न्याय व्यवस्था है वो पूरी की पूरी मेरे को लगता है पश्चिम से आई है, और हमारी भारतीय परंपरा में अगर हम राजा विक्रमादित्य को आइडियल माने और उनको जहाँ पे जज लेके बैठते हैं न्याय की देवी को, मेरे को नहीं पता उनकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन उनकी जगह राजा विक्रमादित्य को लेके बैठना चाहिए हमें। और रही बात व्यापार की, ये न्याय व्यवस्था मॉडर्न लाइफ को सूट तो करती है लेकिन इसमें लगभग न्याय नहीं है सर, तो इसमें जजेस के लिए, एडवोकेट्स के लिए ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है, और वो इंस्टीट्यूशनल तब हो सकती है अगर हम राजा विक्रमादित्य को आइडियल मानेंगे सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद, एक रुचिकर सुझाव है लेकिन ये बड़ा साहस का कार्य है, लेकिन फिर भी अच्छा है। और यदि किसी की कोई टिप्पणी है तो अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि बातें तो बहुत सारी उभर कर आई हैं सामने न्याय को लेकर के, और जो न्याय व्यवस्था जिसकी डॉक्टर साहब ने बात की है धर्मशास्त्रों में, उसने तो हमारे हर पक्ष को ही प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस बात से जुड़ी हुई बात को हम देखें संस्कृतज्ञों की दृष्टि से भी,
संस्कृत में ये न्याय व्यवस्था और जो हमारे संविधान की न्याय व्यवस्था है, दोनों को पास लाने का प्रयास क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, लेकिन उसको क्यों नहीं किया गया? या आपको लगता है, या आपके ध्यान में है कि कोई इस तरह का प्रयास किया गया, या किसी ने कुछ इस तरह की कोई विषय को उठाया? जी नहीं, मुझे इस विषय की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह कि जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे, ये सत्य है कि हमारा जो वर्तमान संविधान है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है, लगभग लगभग उसी का, और उससे पहले 1935 वाला उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है। लेकिन फिर भी जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे वो सारे के सारे पाश्चात्य विद्वान परंपराओं से 100% प्रभावित हो, ऐसा नहीं है। आप तो जानते हैं कि संविधान की ही जो कई ऐसे पक्ष हैं, जैसे मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो हमने लोगों को अधिकार दिए हैं, एसोसिएशन का अधिकार हमने उसको नाम दे दिया हो आज की तारीख में, या हमने लोगों को अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नाम दिया हो, वो सब उसके अंतर उसके आधार उस वो कहां से आ रहा है। और बल्कि संविधान तो एक मूलभूत पुस्तक है, संविधान के आधार पर जो और नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं, आज भी बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कहीं भी हमें भारतीयता का पुट नहीं दिखाई दे रहा? क्या वो भारत की जरूरतों के अनुसार नहीं बन रहे? तो मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म के हमारा संविधान विदेशी है या हमारे आज के कानून विदेशी हैं, ये थोड़ा सा इस पर भी विचार करने की जरूरत है। न्यायतंत्र जरूर हमने मॉडल वो ले लिया जो अंग्रेज बना के गए थे, लेकिन और हमने उसमें कई तरह के लेकिन संशोधन किए हैं। हमने पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की है, हमने न्याय पंचायतों का भी कानून बनाया है, यद्यपि वो बहुत कम स्टेट्स ने लागू किया है। मेरे ख्याल से पूरे भारत में सिर्फ 4-5 स्टेट्स हैं जो न्याय पंचायत को लागू कर रही हैं, लेकिन हमने जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकायों की जो व्यवस्था की है, या बहुत सी जगह ऑटोनोमस बॉडीज बनाई हैं, हमने जो कोऑपरेटिव सिस्टम चालू किया अपने देश में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रेजिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, चाहे कोऑपरेटिव कोई व्यापारियों के संगठन हो, चाहे बिजनेस कोऑपरेटिव हो, चाहे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव हो, वो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली भारत की जो शास्त्र में तो नहीं है, शास्त्र में उसका स्वरूप यह कि उनको छूट दी गई है अपने अपना एसोसिएशंस बनाने की, उनको चलाने की, और वही पंचायत व्यवस्था के रूप में हमारे देश में स्थानीय एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की व्यवस्था के रूप में भारत में चलती आई है। अब प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, संसद होगी, ये सब व्यवस्थाएं तो पहले थी ही नहीं। जो जितना भी हम भारत में जितना भी ग्रंथ परंपरा देख रहे हैं वो सारी मोनार्की पर आकर खत्म हो जाती है, वो सारी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसलिए उसको अच्छा, आज के संदर्भ एक में। हाँ जी, हाँ ये जी एक जो मैंने शुरू में भी जो बात रखी थी, मैं जरूर उस पर एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, और फिर इसको चाहे तो हम पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। वो ये कि ये अपराध और पाप जी तो वो कोई आपकी आवाज फिर चली गई है, मैं लेकिन जितना संकेत मुझे मिला है अपराध नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है धर्मशास्त्र नहीं। देखिए धर्मशास्त्र में 3 भाग हो गए, आचार, ही है वो व्यवहार भी और प्रायश्चित, लेकिन जी। बहुत से पक्ष बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने प्रायश्चित पक्ष पर छोड़ दी। सिन कहकर उसको, पाप कहकर हमने छोड़ दिया और उसको प्रायश्चित के अधीन कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि धर्मशास्त्र कोशिश क्या कर रहा है, धर्मशास्त्र कोशिश ये कर रहा है कि अधिक से अधिक सामाजिक जी तनावों को, टकरावों को व्यवहार के अंतर्गत रखा जाए, और व्यवहार ने कई बार एक एक तरह का टकराव हमको दिखाई देगा समाज और राज्य के बीच में, और राज्य और पुरोहितों की व्यवस्था के बीच में, जिसको हम धर्म कह सकते हैं। तो रिलीजन और सेक्युलरिज्म के बीच का जो एक संघर्ष है
वो हमें धर्मशास्त्र में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और व्यवहारवादी जो हैं वो समाज के अन्य संगठनों से, चाहे वो सामाजिक संगठन हो चाहे वो धार्मिक संगठन हो, उनको अपने अधीन लाने की कोशिश करते हैं निरंतर। धर्मशास्त्र में ऐसे बहुत से नियम मिलेंगे व्यवहार के प्रसंग में कि मान लीजिए कोई ट्रेडर्स की एसोसिएशन भी है, वो अपने कानून बना सकती है, अपने व्यवहार चला सकती है, लेकिन उसको अपने वो सारे कानून राजा से अप्रूव कराने पड़ेंगे, पास कराने पड़ेंगे, तब वो लागू होंगे। और कबीलों की, समाजों की, लोकल बॉडी, लोकल पॉपुलेस की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनको भी आपको राजा से मुद्रित कराना पड़ेगा, तभी आप उस समाज के दो लोगों में अगर कभी कोई विवाद होगा तो राजा उनकी उस व्यवस्था को लागू तभी करेगा जब वो व्यवस्था पहले से राजा के द्वारा अप्रूव्ड हो। अनअप्रूव्ड प्रैक्टिसेस को राजा नहीं मानेगा, ऐसी ऐसी बातें धर्मशास्त्र में लिखी हैं। अब तो उसके आधार पर हमें थ्योरी बनानी पड़ेगी सर। ओके, थ्योरीज बनी भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारी थ्योरीज नहीं बनी। वी हैव टू क्रिएट दोस थ्योरीज। तो वो थ्योरी है कि स्टेट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। जब हम व्यवहार के पक्ष को देखते हैं तो उस पर एक छोटी सी अंतिम टिप्पणी मेरी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि राज्य का वर्चस्व रहेगा कि समाज का वर्चस्व रहेगा कि सामाजिक संगठनों का वर्चस्व रहेगा, ये इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि किसी देश और काल में राज्य की अपनी स्थिति कैसी है। आज भी, आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो आज भी इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ी सरकार, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी हमारे देश में ऐसे बहुत से पॉकेट्स, क्या बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां पर भारत का संविधान और भारत की सरकार नहीं चल रही है। आप उनको छोड़ दीजिए, दिल्ली शहर में भी ऐसे बहुत से मोहल्ले कॉलोनीज आपको मिल जाएंगी जहां पे ना इनकम टैक्स वाला जा सकता है, ना बिजली वाला जा सकता है, ना पानी वाला जा सकता है, ना पुलिस जा सकती है। तो वो उसका मतलब जहां जहां स्टेट कमजोर हो रही है वहां वहां स्थानीय लोग प्रबल हो जाते हैं, और जब स्टेट प्रबल हो जाती है तो वो स्थानीय संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, सामाजिक संगठनों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना चाहती है, लेने की कोशिश करती है। अभी पिछले कुछ सालों से, कुछ सौ सालों से पूरे विश्व में राज्य को बहुत बड़ा दर्जा पूरे समाजों में दिया गया है, और एवरीथिंग एल्स इज बीइंग सबॉर्डिनेटेड टू द स्टेट। एवरीथिंग एल्स इज बीइंग सबॉर्डिनेटेड टू द स्टेट। अब वो देख रहे हैं कि स्टेट कितने हद तक हमारी वो सारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। मुझे लगता है स्टेट भी अब इस बात को रियलाइज करती है कि भाई लोग अपने अपने आप अपने बहुत से काम करें, इसीलिए बिजली आपके घर में नहीं आएगी, बिजली पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक जगह आएगी, वो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पानी आपके घर में नहीं आएगा, पानी 1,000, 2,000, 5,000 की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाने वाले बिल्डर के पास आएगा, वो पानी आपको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपके मोहल्ले में झाड़ू लगाने सरकार नहीं आएगी, सड़क सरकार नहीं बनाएगी। तो सरकार में भी इस बात को रियलाइजेशन हो रहा है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो एक हम इस समय ऐसे एक, मुझे लगता है इस समय हम लोग ऐसे बिंदु पर हैं जहां पर सब कुछ सरकार करेगी, सरकार माई बाप है, उस मानसिकता से निकलकर हम लोग शायद बाहर जा रहे हैं। तो फिर से सामाजिक संगठनों का प्रभाव शायद कुछ मात्रा में बढ़े, यद्यपि स्टेट नहीं खत्म होने वाली अभी बहुत सालों तक। ये बात तो ठीक है आपके। चलिए, ये बड़ी रुचिकर बात है। तो आज की ये हाँ चिमन जी मैं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन या मेरा कुछ सुझाव चाहूंगा कि हम जो हम पढ़ाते हैं, कि जो आप कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि मौलिक अधिकार तो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हम कहते हैं कि भाई हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये सर हम बच्चों को क्या गलत पढ़ाते हैं? क्या यहाँ पर हम अपने धर्मशास्त्रों का उदाहरण नहीं दे सकते? नहीं सर, हम ये कह सकते हैं कि अगर अगर ये बातें धर्मशास्त्र, अगर ये बातें यूएसएसआर और यूएसए और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे यहाँ भी हैं,
हम उससे वंचित नहीं रहे। हमारे यहाँ तो 2000 साल पहले, 1500 साल पहले वो चिंतन डेवलप हो चुका है जो बाद में यूरोप में आया। तो लेकिन कहीं थोड़ा पर सा भी हम सर कह हम ये सकते हैं, लेकिन चीज जब, बच्चे हाँ सर देखिए, अभी जो मौलिक अधिकार है ना, वो मौलिक अधिकार ज्यादातर दे आर राइट्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, और वो डेमोक्रेसी में ही संभव ज्यादा है। लेकिन जब राजतंत्र है तब वहां पर हम ये सवाल आप पूछ सकते हैं, इस पर हम भी अध्ययन कर सकते हैं कि राजतंत्र में जो प्राचीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं धर्मशास्त्रों में दिखाई दे रही हैं, उसमें सिटीजन्स के राइट्स क्या क्या हैं। तो वो राइट्स की तो अवेयरनेस कम है ना, ड्यूटीज की अवेयरनेस ज्यादा। राज्य के अधिकार, राज्य के दायित्व, राज्य के कर्तव्य, राजा के धर्म के रूप में क्या क्या अधिकार, क्या क्या विशेष प्रिविलेजेस नागरिकों को दी गई हैं। सर मुझे नहीं लगता कि वो चेतना उस समय के धर्मशास्त्र में थी, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। लड़ाई तो हो रही है, नीति लेकिन शतक में आप देख सकते हैं, नीति शतक में तो सारा संघर्ष ही है कि सत्तावानों और धनवानों और विद्वानों के बीच का जो टकराव है वो दिखाई दे रहा है। बट द कॉन्सेप्ट दैट द स्टेट इज बाउंड टू प्रोवाइड दीज राइट्स टू द पीपल, वो राज्य पर वो बाध्यता वाला नियम हमें नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सर हमें जो स्मृतियों में दिखाई देता है वहाँ जी पर जो व्यवहार में आप देखते हैं वो तो यही है कि भी वहाँ हर प्रकार से राजा अगर प्रजा को प्रसन्न नहीं रखता। जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। अगर राजा प्रजा को प्रसन्न नहीं रखता तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा दोष माना जाता था, बिल्कुल उसे राजा होने का अधिकार ही नहीं है। और जो वाल्मीकि रामायण है जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अधिकार वो लिखित में नहीं है लेकिन प्रजा का अधिकार है राजा के ऊपर कि आप असल अपनी वो बात है कहना कि चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये सवाल इसलिए नहीं यहाँ पैदा हुए क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ज्यादा तो नहीं था। यहाँ पर सेंस ऑफ इंक्वायरी है, आपके यहाँ तो ये यह है कि भी भोजन आदि की सारी व्यवस्था है तो आपको कोई अधिकार अलग से लेकर के आने की आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन वेस्ट में, ग्रीक में, अरब कंट्रीज में वहां पर आपको पड़े क्योंकि वहां सर्वाइवल की बात थी। तो इस बात को मुझे लगता है हमें ध्यान रखना चाहिए और प्रमाण उपलब्ध है। जैसे कि मैंने शुरू में दो तीन कथाएं भी कही, बहुत सारी और भी कथाएं आपको मैं दे सकता हूं जिनमें से हम निकाल सकते हैं। चुनौती दी जा रही है कि भाई तुम अगर इस तरह से अधर्म का आचरण करोगे और प्रजा, ऐसी वो कथाएं मिलती हैं जहां पे राजा की हत्या कर दी गई क्योंकि वो प्रजा का हाँ ध्यान ही नहीं रख रहा। सर, वो तो मेरा इसलिए निवेदन मुझे ये है लगता है कि कि इस ये पूरे का पूरा एक जी आपके पास कितना समय है, तो थोड़ी सी इस पर मैं प्रतिवाद ये करूंगा कि वो जो व्यवस्था है ना, वो जी राजनीतिक कंपल्शन की व्यवस्था है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे, दंडे ने व निहन्यते। कहीं ये नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति जाकर राजा से क्लेम करे कि आपके अधिकारी ने मेरे साथ अमुक किया है। ऐसे भी कथा है, जैसे महाभारत की कथा मुझे ध्यान आ रही है कि उसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजा को अपने गुप्तचर सारे में रखने चाहिए, वो घूम घूम कर देखें कि कोई लोग राजा के अधिकारी राजा प्रजा को परेशान तो नहीं कर रहे। ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन वो राज धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं, वो राजा की ड्यूटी के अंतर्गत आ जाती हैं, वो राइट ऑफ द सिटीजन के तौर पे नहीं है। तो वो जो अवेयरनेस ऑफ राइट है, ये जो है ये एक नई चीज है जो मुझे लगता है विश्व के चिंतन में आई है। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हमारे पास शायद नहीं है। चलिए, हाँ ये अच्छा विषय दिया है डॉक्टर चिमन जी ने और उनका धन्यवाद है कि इस विषय के हम प्रमाण देखें, ढूंढें बिल्कुल और बिल्कुल इस तरह से इस पे हम चर्चा करने की और विचार करने की कोशिश करें। डॉक्टर चिमन जी, आपका धन्यवाद है थैंक यू और सर। मुझे लगता है कि अब समय है कि हम इस आज की इस परिचर्चा को पूर्णता की ओर अग्रसर करें। लेकिन उससे पूर्व मैं जरूर ये चाहूंगा कि एक बार ये आपको जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ इस बात को जरूर ध्यान में रखें।
कि ग्रीक में जो न्याय का संदर्भ है वो कुछ और है, रोम में वो अलग हो गया। वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होने शुरू हुए, वर्ल्ड वॉर्स हुई, तो वो अलग हो गई परिस्थितियां, वहां अलग सी स्थिति दिखाई देती है। इस्लाम में आकर के वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया जस्टिस का। और क्रिश्चियनिटी में तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि रेवोल्यूशन ज्यादातर तो ही क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जाने के लिए हुए हैं, सप्रेसिव सोसाइटी जिस तरह की थी, तो इसलिए वहां पर इस तरह की बातें उभर कर आई। और भारत में ये चीज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सर्वाइवल के प्रश्न कभी नहीं महत्वपूर्ण रहे। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं रहे क्योंकि यहाँ कभी इस तरह की भूखमरी या सर्वाइवल के प्रश्न नहीं रहे। तो लेकिन आपकी बात को पूरा मैं आदर और मान देता हूँ और महत्व देता हूँ, और निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करेंगे और फिर दोबारा इस चर्चा को अग्रसर करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पहले डॉक्टर चिमन जी को, जो पॉलिटिकल साइंस विभाग के अध्यक्ष हैं, कि वो सभी कॉलेजेस की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें आज के मुख्य वक्ता का और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं। और उसके बाद लास्ट में मैं एक टिप्पणी जो है डॉक्टर विनय सिंघल जी से जरूर चाहूंगा, अगर वो जुड़ी हुई है तो। डॉक्टर चिमन जी। थैंक यू आशुतोष अंगिरस जी। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल गैदर्ड हियर ऑन दिस वंडरफुल डे। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट ए वोट ऑफ थैंक्स। आई टेक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू थैंक द रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट एंड स्पीकर डॉक्टर आशुतोष दयाल माथुर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सेंट स्टीफन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फॉर गिविंग ए वंडरफुल इनोवेटिव एंड नॉलेजेबल स्पीच, इंटरेक्टिव सेशन एंड डिस्कशन। Dr. Ashutosh Dayal Mathur attended this webinar and accepted our invitation in his busy schedule. Thank you very much, sir, for being so responsive. I extend my gratitude to the principal SD College, Ambala Kent, Dr. Rajinder Singh, for encouraging us to achieve many endeavors. They always support and encourage us to organize such innovative activities. I sincerely thank all the participants, teachers, students, and dignitaries from different colleges and institutions. Their participation makes this webinar very active and alive. My special thanks to Meenakshi, Professor Meenakshi Sharma, for providing all the technical help for success this webinar. Last but not least, I thank to Dr. Ashutosh Angirasji that they invited a wonderful academician and expert speaker like Dr. Ashutosh Dayal Mathur for sharing their views on this important topic. Thanks, sir, again and again from the entire staff of SD College Ambala Kent, RKSD College Kethal, GMN College Ambala Kent, MPN College Mulana. Thank you to all and one who made this webinar successful. Thank you very much, sir. Thank you all. Thank you, Dr. Chamanji. Vote of thanks ke liye. Aur अब यदि किसी का कोई अंतिम टिप्पणी है तो अभी भी कर लीजिए, वैसे वोट ऑफ थैंक्स हो गया है, लेकिन अगर कोई प्रश्न है तो डॉक्टर माथुर से आप पूछ सकते हैं। और बड़े प्रभावी वक्ता हैं, निश्चित रूप से आप सबने देखा है, और बड़ा सटीक बोलते हैं और बहुत प्रमाणिक बोलते हैं। तो उनका आज हमारे साथ जो जुड़ना है वाकई हमारे लिए बड़ा लाभकारी रहा है, और हमें ये दिशा निर्देश भी मिला है कि किस तरह से हमें विचार के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहिए, और विशेष रूप से इस तरह के विचार के क्षेत्र जिन पे बहुत कम चर्चा होती है और मूल विषयों को छुआ ही नहीं जाता और ऊपर ऊपर की बातें होके रह जाती हैं। तो जिस प्रमाणिक रूप से उन्होंने हमारे साथ आज बातें की हैं उसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और बाकी साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं जिन्होंने इस विषय को सुना समझा उनका हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं, और फिर पुनः अगले किसी विषय के लिए इसी तरह से हमारी आपस में चर्चा होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर चिमन जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। भारतेंदु पांडे जी धन्यवाद, मैडम मीनाक्षी, प्रोफेसर लवलीन ग्रोवर जी, डॉक्टर राजेंद्रा जेएमएन कॉलेज से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और भी जितने साथी हमारे साथ रहे हैं सभी का मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप में से जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो प्लीज अपना फॉर्म भर दीजिएगा, मैडम मीनाक्षी ने दोबारा उसको शेयर कर दिया।